लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। Excuse me, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? भाई ला जूही चावला, देखिए ना मुझे शूटिंग पर जाना है, गाड़ी खराब हो गई, क्या आप मुझे लिफ्ट देंगे? क्यों नहीं, आइए ना, आइए ना। कितनी खुशनसीब हूँ मैं जो मुझे आप मिल गए, आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे एहसान कैसा, ये तो मेरा फर्ज है मैडम। हाउ स्वीट, आप जैसे इंसान आजकल बनते ही कहाँ हैं? हाय ला। अरे मैडम आ गई मैडम, ए राची बुलाओ, जल्दी बुलाओ, जल्दी बुलाओ। बाय बाय, थैंक यू, मेंशन नॉट। सुनो, हाँ फिर मिलोगे ना? हेला जुही जी, आज आपने मुझे अचानक फोन करके क्यों बुलाया? बस यूं ही मिलने को दिल चाहा। ओ कितनी रोमांटिक है ये जगह, है ना? बिल्कुल। हाय। कभी कभी सोचती हूँ इन मजबूत कंधों का सहारा ना होता तो मेरा क्या होता। वादा करो तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। ये आप क्या कह रही हैं जूही जी? जूही जी नहीं, सिर्फ जूही। हैला जूही। ओए इधर आ। हैला गोविंदा। क्या मायला, तू कौन? मैं। अरे गोविंदा इनसे मिलो, ये है अमर बाबू, इनके बारे में तुम्हें बताया था ना? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये वही है जिन्होंने कदम कदम पर तुम्हारी मदद की है। क्या बात है, बड़े खूबसूरत नौजवान। थैंक यू थैंक यू, तुम्हारी चॉइस बड़ी अच्छी थी।
शर्मा के चली गई। अरे सुनो, तुम इतने खूबसूरत नौजवान हो, फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करते? ओ, 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 बस मुझे कई ऑफर आए हैं बड़े बड़े डायरेक्टरों के, लेकिन मैं चुन रहा हूँ कि Take 21, action। गले लग जा। नहीं गोपाल, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सिर्फ इसलिए कि मैं गरीब हूँ, तुम अमीर हो, दुनिया की कोई ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। हाँ, गले लग जा। मगर गोपाल, एक औरत की मजबूरी तो समझो। वो क्यों? ये पापी संसार, ये बेदर्द दुनिया, ये दुश्मन जमाना, ये हमें जीने नहीं देगा। और यही सच है। सच तो यह है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। सच तो यह है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। यही सच है, बाकी सब झूठ है। भूल जा सबको, सिर्फ मुझे याद रख। हाँ, गले लग जा यार। गोविंदा, चिपक के, चिपक के। क्या हुआ? मुझे लगा शाहरुख खान आ गया। शाहरुख खान, गोविंदा, सनी देओल, बस यही सब है तुम्हारी जिंदगी में। सुना है सनी के साथ तुम कुछ ज्यादा फिल्में कर रही हो? हाँ, लोगों को हमारी जोड़ी काफी पसंद है। और तुम्हें? मुझे भी। हाँ? काफी हैंडसम है। क्यों, जलन हो रही है? डर पर कोई मेरे हाथ से किसी का खून नहीं हो जाए। ओ अमर, लूट गए। मैं तो मजाक कर रही थी। तुम ही तो हो मेरे सब कुछ, तुम ही तो हो मेरे साजन। हाँ? सच अमर, अब तुम्हारे बिना जिया नहीं जाता। हाँ? चलो ना, हम लोग कहीं शादी कर लेते हैं। हाँ, हाँ। मैं तुम्हारे लिए फिल्म लाइन छोड़ दूंगी। नहीं 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 नहीं, फिल्म लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम करो, तुम करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं सब कुछ देख लूंगा, पैसे वैसे सब मैं संभाल लूंगा। लेकिन हीरो भी मैं चुनूंगा, दूर दूर रहना, दूर दूर रहना। ओ अमर, हाउ स्वीट। जूली, माय डार्लिंग। मैं भगवान को साक्षी मानकर तुम्हें तन और मन से स्वीकार करती हूँ। मैं भी भगवान को साक्षी मानकर तुम्हें तन, मन और धन से स्वीकार करता हूँ। अबे क्या पिताजी, मेरा सुंदर सपना तोड़ दिया आपने। मैं हीरोइन के गले में वरमाला डालने ही वाला था, तभी आपको आना था। दो मिनट बाद नहीं आ सकते थे आप? अबे बकवास बंद करो, उठ यहाँ से। गले पे बैठे बैठे सोते रहता है। बाबूलाल, तुम्हें हजार बार कहा इसको गले के आसपास भटकने मत। अरे आपके गले में होता ही क्या है, इससे ज्यादा चिल्लर तो बंबई के किसी भिखारी के कटोरे में मिलेगा। ए बाबूलाल, जरा संभाल के, कल की तरह इसका भी कान मत काट देना। अरे भाई संभाल के, नोट रहेंगे भी कैसे, कल इसमें से 100 रुपए निकाल के उड़ा के आ गया। उड़ाए नहीं पिताजी, खर्च किए। रोजी के कोमल हाथों से बाल कटवा के आया हूँ ताजमहल होटल के सलून में। क्या, मैं यहाँ 20 आदमियों की हजामत करके 100 रुपए जुटाता हूँ और तू ताज में जाके दक्षिणा दिया आ जाता है? और बाल कटे भी है तुम्हारे? बाल भी कटे हैं और पता भी नहीं चले। This is the latest French cut, you see. La coupe française de hair. बड़ी अंग्रेजी झाड़ रहा है। अबे लल्ले, इस गल्ले की चिल्लर से तेरी स्कूल की फीस भर भर के तुझको पढ़ाया लिखाया डराया धमकाया, किसी तरह धक्का मार के कॉलेज में दाखिल करवाया, लेकिन फायदा क्या हुआ, वहां से भी निकाले गए। निकाला नहीं गया पिताजी, वो तो मैं खुद छोड़कर आया। दरअसल प्रिंसिपल साहब को मेरी बातें कुछ समझ में नहीं आई। आए? वो क्या है कि मेरे अंदर बहुत से आइडियाज हैं जो बाहर निकलने के लिए उछल रहे हैं, फुदक रहे हैं। आए? इस नई पीढ़ी के लिए, इस देश के लिए और खास करके बापों के लिए, क्योंकि मेरे हिसाब से जब तक इस देश के बाप नहीं सुधरेंगे ये देश नहीं सुधरेगा। ये बात प्रिंसिपल के बेटे के समझ में आई, लेकिन प्रिंसिपल के समझ में नहीं आई। और एक आप हैं कि मैं तेरा पीला पानी लगाए मुंडन कर दूंगा। अरे पिताजी क्या बात कर रहे हैं, अगर मेरा मुंडन कर देंगे तो लोग समझेंगे कि आप सीधे। चुप है गधे। अरे अरे अरे, शांत हो जाइए पिताजी, शांत हो जाइए। और मेरा नया आइडिया सुनिए, क्यों ना हम ये दुकान बेच दें, अच्छे पैसे मिलेंगे। मेरा मतलब है उन पैसों से हम लोग एक चूड़ियों की दुकान खरीदेंगे। चूड़ियों की दुकान? जी हाँ, चूड़ियों की दुकान। जरा सोचिए, सारा दिन सुंदर सुंदर चेहरों के बीच मैं और आप। मैं बेटियों को चूड़ियां पहना रहा हूँ, आप माओ को चूड़ियां पहना रहे हैं। कहीं हंसी का झरना, कहीं नजरों का लड़ना, कहीं जुल्फों का बिखरना, तो कहीं आंचल का सरकना। उनके कोमल कोमल हाथ आपके मोटे मोटे हाथों में, आप प्यार से उन्हें चूड़ियां पहना रहे हैं, वो नजाकत से उई उई कर रहे हैं, आप शरारत से आ आ कर रहे हैं। बाबूलाल, कहा था कान संभाल के काटा कर। ये सब तेरी वजह से हो रहा है। तेरी वजह से? चूड़ियां पहना रहा है, जुल्फे लटका, निकल बाहर निकल, बाहर निकल। पिताजी जरा धीरे धीरे,
आपका तो पता नहीं लेकिन मेरी इज्जत है यहाँ पर। हाँ हाँ, बड़ी इज्जत की बातें करता है, गल्ले से चवन्नियां चुराता है, उधार चंद फकीर चंद तेली गली का हीरो बना फिरता है। पिताजी इस वक्त आप बहुत गर्म हो रहे हैं, मैं शाम को आके फिर समझाऊंगा। तू शाम को फिर आएगा? बेशरम, दुनिया में तेरे जैसी नालायक औलाद कहीं नहीं होगी। होगी पिताजी होगी, मेरी जैसी औलाद वही होगी जहाँ आप जैसा बाप होगा। अमां भोले, यार आज मेरी बाई आंख बहुत फड़क रही है। अरे भाई, आंख का फड़कना तो बहुत शुभ होता है, चारों तरफ से खुशियों के समाचार मिलेंगे। अरे काहे के समाचार मिलेंगे खुशियों के, मेरे लिए तो आखिरी खुशी का दिन वो दिन था जिस दिन मैं पाप बना था, वो दिन है और आज का दिन है। मेरे लायक बेटे प्रेम ने मुझे खुश होने का मौका ही नहीं दिया। कमाऊ में उड़ाए वो, कमाऊ में उड़ाए वो। हाँ भाई, किस पर बिगड़ रहे हो? अरे अपने बेटे पर बिगड़ रहा हूँ, तुमको क्या है? तुम क्यों आए? भूल गए? लाला जी के 500 रूपए देने। अरे काहे के 500 रूपए देने आज? लाला जी के 500 रूपए देने आज? हाँ देने तो देने, देने है ना। ये रहे 100-100 के 5 कड़क नोट। अरे अरे प्रेम, डब्बा खुल कर गया। क्यों बहाने बना रहे हो? वो बेचारा तो वाह वाह स्टूडियो में बैठा हुआ है। वाह वाह स्टूडियो में बैठा हुआ है? अरे फिल्मी मलेरिया जॉनी मेरे बेटे को लूट रहा है। अरे ये जॉनी जो है ना, इसने मेरे बाप को फिल्म में काम करने का चकमा देकर बंबई भेजा था, आज तक वापस नहीं लौटा। किसी किसी फिल्म की भीड़ में यूं खड़ा दिखाई देता है। मेरे बेटे को उल्लू बना रहा है जॉनी। डंडा किधर है? वाह 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 वाह, क्या चेहरा है, क्या थोबड़ा है, अपने ढंग का एक ही नमूना है। आका थू 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 थू, ये क्या? नजर नहीं लगे इसलिए थूका है। अच्छा गुरुजी, मैं स्टार बन जाऊंगा ना? बन जाऊंगा? अरे बन गए तुम स्टार यार, लाइट्स ऑफ। बस गुरु, अब तो कर दो वाह वाह प्रोडक्शन शुरू। यार शुरू हो गई, अमिताभ से बात भी करूंगी। लेकिन मैं हीरो तो तू ही रहेगा ना यार, वो तो तेरे बाप का रोल करेगा। चलेगा ना? चलेगा क्या, खुद खुद के चलेगा, खुद खुद के चलेगा। अमिताभ और मैं टंटनम, बाप और बेटा टकडम, आपस में टक्कर टकडकडकडम। वाह क्या सीन है, गर्मा गर्म बाबा प्रोडक्शन की चाय, ये लीजिए सरकार। अरे सबके लिए एक ठंडा ले आओ। और सुनो, वो सुभाष घाई का फोन आने वाला था। वो हाँ, आता ही होगा, आता ही होगा। मैंने सुभाष को मैंने तुम्हारी फोटोएं दी थी, उसे भी एक तुम्हारे जैसे थोबड़े की जरूरत है नई फिल्म के लिए, ड्रैकुला की मोहब्बत। ड्रैकुला की? हेलो, यप दिस जॉनी फ्रॉम वावा प्रोडक्शन। हेलो सर, मेरा रोल याद रखना। हेलो शुभु, हाँ सुभाष भाई का फोन है। सर मेरा भी नमस्ते। एक मिनट यार। हाँ हाँ, तो यार ये बोल, तस्वीरें पसंद आई तुझे है? पूरे बॉम्बे में धूम, इतना लोगों ने पसंद किया, वेरी गुड वेरी गुड यार। क्या? नहीं नहीं, अच्छा तुम्हारी तस्वीरें माधुरी दीक्षित को दिखाई, क्या बोलती है वो, इसी के साथ में काम करेगी और किसी के साथ में नहीं? अरे कमाल हो गया, हाँ एक तस्वीर भी रख ली इसकी। अरे वेरी गुड यार, वेरी गुड। नहीं जी, हाँ फिल्म में दो हीरोइन है, जूही से भी बात कर लिए, तुम्हारा एड्रेस उसने लिया है, यहाँ तुमसे मिलने आने वाली है, चलेगी ना दोनों? चलेगी चलेगी, क्या खुद खुद चलेगी? उठ यार, अबे उठ, अबे बात सुन, तेरा काम हो गया। हो गया उधर, हो गया वावा प्रोडक्शन की इज्जत का भारी पाला हो गया। बनिया कहता है कि अभी अगर 500 रुपया नगद उसको नहीं दिया तो वो यहाँ से कैमरा उठा ले जाएगा। मैं इंडस्ट्री को नए नए आर्टिस्ट देना चाहता हूँ और ये लोग मेरा कैमरा उठा के ले जाना चाहते हैं। अरे कैमरा लेके जाएगा ना, इसकी किस्मत थोड़ी ले जाएगा, तो दे दे कैमरा उसको। ए रुक रुक, पैसे देना चाहते हैं, दे दो दे दो दे दो। ये ले और उसके मुंह पे मार क्या। अरे मुंह पर तो मैं मारूंगा तेरे 100 जूते, मेरी मेहनत की कमाई इस गंजे पे लुटा रहा है। पिताजी ये तो मुझे हीरो बना रहे हैं। ये तुझे हीरो बनाएगा, खुद तो चपरासी बन नहीं सका। मेरी फिल्म में मैं आपको भी हीरो बनाऊंगा अंकल। अंकल अबे बहुत पुराना पापी है तू,
मेरे बाप को झांसा दे चुका है, बच्चा बन रहा है, एक बात कान खोल कर सुन ले, अगर मेरे बेवकूफ बेटे को और बेवकूफ बनाने की कोशिश की ना तो सुई इस कान में घुसेड़ूंगा, इसमें से निकाल के तेरा कलाबत्तू बना दूंगा, बोलती बंद होती सुनी होगी, तेरी सुनती बंद कर दूंगा। पिताजी आप मुझे निकट्टू बोल दीजिए, टट्टू बोल दीजिए, लेकिन मैं आपको कुछ बन के दिखाऊंगा। नमस्ते जी। नमस्ते के बच्चे, मुंह को टांके लगा और हाथ में कैंची पकड़। पिताजी ये मुझे नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं। तो हाथ में भीख का कटोरा पकड़ेगा? नहीं पिताजी। पिताजी हाँ, मुझे मेरी मंजिल एकदम सामने दिखाई दे रही है। सामने पुलिस स्टेशन है और शमशान घाट है। कौन सी मंजिल है बेटा तुम्हारी? ओफो पिताजी, मैं आपको कैसे समझाऊं, मेरी किस्मत का सितारा चमकने वाला है। क्या ये बात सच है कि आप हिंदुस्तान में शादी करने के लिए आई हैं? राइट, हम शादी के लिए आया, इसमें हैरानी क्या है? इतने बड़े रईस राम गोपाल बजाज की इकलौती बेटी मिस रवीना, आपने तो पूरी दुनिया घूमी है, फिर आपने हिंदुस्तान को ही शादी के लिए क्यों चुना? आई मीन हिंदुस्तान के लड़कों को। और हमको लगता है कि इधर के लोग प्यार को बहुत प्यार करते हैं। यस, मेरा मतलब प्यार से नहीं, ये दिमाग नहीं दिल से काम लेते हैं। हमको भी एक ऐसा ही दीवाना चाहिए। मिलेगा मैडम, ये कंट्री ही दीवानों की है, एक ढूंढो हजारों मिल जाते हैं मैडम। यू नॉटी मैन। मैडम आपने कुछ बोला तो नहीं? आपने कुछ सुना तो नहीं ना? जी हमने कुछ नहीं सुना। नहीं नहीं, हम कुछ नहीं बोला, हम कुछ बोलेगा तो कुछ हो जाएगा क्या? यस मैडम, आप कुछ बोलेंगे, ये कुछ समझेंगे, थोड़ा कुछ समझेंगे, बहुत कुछ लिखेंगे, यहाँ कुछ लिखेंगे, वहाँ कुछ छपेगा, और जो कुछ छप के आएगा वो अजीब सा कुछ होगा, और इस अजीब से कुछ में कुछ का कुछ हो जाएगा। करेक्ट? कुछ न कुछ तो हो जाएगा। मिस कुछ कुछ? हाँ। आखिर आप हैं कौन कुछ कुछ? ये है करिश्मा, मेरी सेक्रेटरी कम फ्रेंड कम एडवाइसर कम अटेंडेंट कम कम। वन मिनट, एक आखिरी सवाल, अगर आपको दो लड़के एक साथ मिल जाए, एक थोड़ा दिल वाला और एक दिमाग वाला, तो आप किसको पसंद करेंगे? दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि मेरी मैडम को पसंद है लड़का थोड़ा दिल वाला और दिमाग वाला। राइट राइट। क्या रुस्तम सेठ नहीं है क्या? क्या गल्ले पे बासीमा लगता है यार। अच्छा कैसे हो अमर? क्या अहमद भाई, स्ट्राइक खत्म नहीं हुई क्या? नहीं यार, चल रही है अभी तक। यार ये गवर्नमेंट पॉलिसी भी कुछ समझ में नहीं आती। पता नहीं यार ये लीडर लोग क्या क्या करते रहते हैं, नुकसान तो हम ही लोगों का होता है ना। हाँ लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। हाँ यार। ओके। अभी क्या साला फोकचन? ए नया है क्या? पैन चालू कर। ताला खटारा, कभी भी सर पे गिर सकता है। लंदन की अप्सरा भारत में योग्य दूल्हे की तलाश में, क्या छोकरी है रे, एकदम हीरोइन का माफिक, कमाल है, शादी के लिए भारत आई है। अरे आगे पढ़ आगे पढ़। 50 करोड़ की जायदाद उसे मिलेगी जिससे वो शादी करेगी, और लंदन में 2 फैक्ट्री भी, स्विट्जरलैंड में हीरे का कारखाना भी, और एक फार्म हाउस भी है। अरे छोकरी क्या है यार, ये तो लॉटरी की टिकट है, टिकट। ए, बस बस, ये न्यूज मेरे लिए छपी है। तेरे लिए छपी है? और नहीं तो क्या, ये मेरी हीरोइन है, मेरी। हम क्या मर गए, ये इंडिया आई है तो सिर्फ मेरे लिए। वाह मेरे शेर वाह, बस एक बार जाकर तू उसे फंसा ले जैसे मैंने तुझे फंसाया है। क्या बनाया? हीरो बनाया हीरो, एक बार उसे पटाकर लेकर आ जा, उसके बाद अपनी वाह वाह प्रोडक्शन इंटरनेशनल प्रोडक्शन बन जाएगी, और हम लोग इंग्लिश में पिक्चर बनाएंगे। इंग्लिश नो यू? फास्ट इंग्लिश, डार्क इंग्लिश, वाक इंग्लिश, फिनिश फिनिश। लेकिन इसके लिए बहुत पैसों की जरूरत। नो प्रॉब्लम, पैसे आ जाएंगे, बाप का मकान, बाप की दुकान दोनों बेच दे। आधा पैसा मुझे दे और आधा पैसा लेकर तू चला जा, मैं यहाँ बैठकर स्टोरी बनाऊंगा, सेटअप बनाऊंगा, म्यूजिक बनाऊंगा, तू लड़की को पटाकर लेकर आ, उसके बाद स्टार बन जा, सुपरस्टार, सुपरस्टार। बाबू लाल नमक हराम, मेरी दुकान के सामने अपना ही धंधा शुरू कर दिया। अरे अपना धंधा नहीं मालिक, आप ही का धंधा कर रहा हूँ। अमर बाबू ने सबको दुकान के बाहर ढकेल दिया मालिक। मालिक अमर बाबू को पता नहीं क्या हो गया है, अकेले में कुछ बड़बड़ा रहे हैं। बड़बड़ा रहे? अरे आप मान गए आपको, यह ग्रेट, मैं जानता था कि आप में कुछ है, लेकिन इतना कुछ। अमर आपको सलाम करता है। ये क्या हो रहा है? आउट, बोला था बाहर खड़े रहने के लिए। अबे गधे मैं तेरे। पिताजी आप आइए आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। पिताजी आप महान हैं,
आप ग्रेट हैं, आप एक मिसाल हैं, आप जैसा बाप इस दुनिया में नहीं, आप पूज्य हैं, आप धन्य हैं, बल्कि बल्कि आज मुझे एहसास हुआ कि आप पुरुष ही नहीं है, महापुरुष हैं, महापुरुष, महान, महान, आप महाज्ञानी हैं, महा सब कुछ है। हे प्रभु, तूने आज मेरी प्रार्थना सुन ली? सुन ली, सुन ली, वो तो 26 साल पहले ही सुन ली थी। कहाँ है आपके चरण? मैं आपके चरण रहने दे बेटा, रहने दे बेटा। लेकिन मुझे एक बात बता, तूने मुझ में आज क्या देखा? यही तो आपका बड़प्पन है पिताजी, कि आप अपनी महानता की वजह खुद नहीं जानते। आप इतने महान इसलिए हैं क्योंकि आप अमर के बाप हैं। अमर के? आज मैं आपको पहचानता हूँ, कल दुनिया आपको पहचानेगी। लोग कहेंगे वो देखो अमर का बाप जा रहा है, वो देखो अमर का बाप जा रहा है, वो पुलिस भी यही कहेगी, वो देखो अमर का बाप जा रहा है। ओहो पिताजी, लेकिन आप इतने उदास क्यों हैं? जब भी मैं खुश होता हूँ आप उदास हो जाते हैं। उदास ना हूं तो क्या हूं? तू जब जब खुश हुआ है तब तब मैं बर्बाद हुआ। याद है मैंने पहली बार तुमको एक साइकिल लेके दी थी? साइकिल? तू बहुत खुश हुआ, तूने साइकिल चढ़ा दी मेरे पिताजी की टांग पे। और वो मरते दम तक लंगड़े बापू के नाम से पहचाने। दूसरी बार तू बहुत खुश हुआ था, मैंने तुम्हें राम भरोसे रॉकेट लेके दिया था दिवाली में, तूने रॉकेट उड़ा दिया और गुप्ता जी की दुकान जला दी। मैं आज तक लोगों के सर मुंड मुंड के उसके पैसे भरे जा रहा हूँ। तीसरी बार तू बहुत खुश हुआ था जब तेरी मामी के घाघरे का नाड़ा तू। पिताजी पुरानी बातें छोड़िए, अब तो मैं वो करने जा रहा हूँ जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है। क्या करने जा रहा है? घबराइए मत पिताजी, सोचिए अगर आपके हाथ में ये 5 पैसे की बीड़ी की जगह 50 रुपए का सिगार होता है? और ये टोपी की जगह हैट होती, छप्पे की जगह सूट, और पैर में विदेशी बूट, कैसा लग रहा है डैडी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, फाइन फाइन। थैंक यू डैडी, थैंक यू। लेकिन ये सब होगा कैसे? हाउ हाउ? वाओ डैडी, मैं एक बहुत ही रईस लड़की से शादी करने वाला हूँ। अच्छा? हाँ, उसके बाद हम माला माल हो जाएंगे। अच्छा? मैं आपके लिए ऐसी कई लेडी शॉप खोलूंगा। ओह रियली? लेकिन तुम शादी क्यों नहीं करता जल्दी जल्दी? डैडी उसके लिए आपको अपना घटिया सलून बेचना होगा। अच्छा? और मुझे 25,000 रुपए देने होंगे। 25,000 रुपया? एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, भाग यहां से, चल निकल निकल निकल। पकड़ पैसे, चमन्नी दे वापस। क्या भैया, चमन्नी के लिए शोर मचा रहे हो? अबे चमन्नी चमन्नी जमा करके तो ये मकान बनवाया मैंने, चमन्नी जैसे कुछ होती नहीं है। क्यों बाके मियां? आओ। कैसी रही यात्रा, दर्शन हो गए कि नहीं बाबा के? भीड़ भड़क का तो बहुत था, मैं भी धक्का मुक्की करके अंदर बढ़ गया और पैर पकड़ लिए बाबा जी के। अब ये घमाघमी कैसी है भाई, लाला जी का मकान बिक गया क्या? लाला जी का नहीं, आपका मकान बिक गया। मेरा मकान बिक गया? अरे पकड़ इसको, अरे मेरा मकान, अरे किसने बचा? अरे लेकिन मुझे का? अरे सामान रख नीचे। अबू जान चिल्लाता है, अबू जान। क्या बात है मुस्ताक बेटा? ये कौन? ये तो लियाकत है। कौन लियाकत? जिसकी चिमनी मोहल्ले में गोश्त की दुकान है, यानी कि जहाँ कैंची चलती थी खचाखच खचाखच, वहाँ पर घंटा सा चलेगा घटाघट घटाघट घटाघट। कौन है आप लोग? कौन हूँ मैं? बांकेलाल। बांकेलाल हूँ, इस मकान का मालिक हूँ भाई। मैं बाहर क्या गया, आप अंदर चले गए? चले गए तो चले गए। अच्छा आप हो बाके भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मियां अस्पताल से कब छूटे? अस्पताल से? तुम्हारे बेटे ने कहा था कि तुम्हारा दिमागी इलाज चल रहा है। दिमागी इलाज? ये क्या प्रोग्राम है? बड़ा नेक बेटा है तुम्हारा, बोला अब्बा के इलाज के लिए पैसा चाहिए, पूरे 22,000 दिए हैं मैंने इस मकान के। 22,000 दे दिए और उसने ले भी लिए? ये मेरा पुरखों का मकान है साहब। नहीं था, अब नहीं है, नहीं है। बेटे मैं तुझे देख लूंगा प्रेम। बाबूलाल शाबाश वफादार, मेरी दुकान फूल है तो तू बाहर मेरा धंधा कर रहा है? आपका धंधा नहीं मालिक, इस बार मैं अपना ही धंधा कर रहा हूँ। आपका धंधा बंद हो चुका, आपकी दुकान बिक चुकी है। मालिक आप 2 दिन शादी में क्या गए, अमर बाबू ने शंकर सेठ को दुकान बेच दी। आपके बेटे ने आपकी दुकान मुझे बेच डाली है, अब मैं इस दुकान में चूड़ियों का धंधा करूंगा। और मालिक ये आपके नाम से चिट्ठी देकर गए। ये 50 करोड़ की जायदाद, इकलौती वारिस, बचपन में देखा था इसे, लगता है जवानी के बहुत कम दिन देख पाएगी बेचारी। शादी करने इंडिया आ रही है, मौत भी किसे कहां कहां खींच कर ले आती है। अच्छा गेम खेलने का मजा आएगा,
रॉबर्ट। यस सर। बल्ला से कहो कि वो शांति वाला पहुंचकर डिसोजा की जगह पे लग जाए। जी सर। लेकिन सर, मिस्टर भल्ला का एक फैंटास्टिक आइडिया है, क्यों ना हम डिसोजा को जूनागढ़ की पहाड़ी पर से। रॉबर्ट, भल्ला का आइडिया अपने पास ही संभाल कर रखना। इस गेम का हर पत्ता कैसे पीसना है मुझे अच्छी तरह आता है। ये गेम तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गेम है। इसका तो हर पत्ता मैं सोच समझ कर उतरूंगा। इनमें से एक भी ठीक नहीं है रॉबर्ट, एक भी। किसी की नाक टेढ़ी है तो किसी की आंखें, किसी के कान छोटे हैं तो किसी के कान बड़े। मुझे लगता है इंडिया आना ही बेकार हुआ। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है अपने मैनेजर डिसूजा पर। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी तस्वीरें मेरे सामने लाने की। वैसे वो है कहाँ? अब डिसूजा नहीं है मैडम। तुम कौन हो? ये कौन है रॉबर्ट? ये हमारे नए मैनेजर। विनोद नाम है मेरा, लेकिन सारा शहर मुझे भल्ला के नाम से जानता है। भल्ला? लेकिन डिसूजा कहाँ है? हाँ, उनकी तो छुट्टी हो गई मैडम। इनका मतलब ये है कि डिसूजा एक लंबी छुट्टी पर गए हैं। अब यहाँ का सारा इंतजाम हम करेंगे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। रॉबर्ट, मैडम को आराम करना है और हमें काम करना है। कमान पालम। देखा, फिर वही हो गया ना। आइए प्लीज प्लीज, पहले आप। नहीं पहले आप। नहीं, आइए ना पहले आप। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। भाई साहब, पहले आप। पहले आप में नवाब साहब की गाड़ी छूट गई थी। बॉबी फिल्म में राज कपूर साहब ने यही बताया है। अब ये गाड़ी ना छूटे इसलिए पहले मैं चलता हूँ, आप लोग बाद में आइए। अच्छा, चलिए चलिए चलिए, प्लीज प्लीज। हाँ। आइए। आप करते क्या है? जी कुछ नहीं। अच्छा, अब मेरा मतलब है जी, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाप ने बहुत कमाया है, बाप का बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा कारोबार है। कौन सा बिजनेस? गारमेंट्स का बिजनेस है। हम लोग घर में सपोर्ट करते हैं। यहाँ कुछ नहीं आता है, सब बाहर जाता है, सब बाहर जाता है। नाम सुना होगा आपने, चौधरी एंड सन्स। चौधरी एंड सन्स। हाँ हाँ, चौधरी एंड सन्स। सुना है, नाम सुना है? सुना है हाँ, क्योंकि आपके यहाँ जो कपड़ा आता है वो हमारी कंपनी से आता है। मैदान ग्रुप टेक्सटाइल कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है। बहुत लोगों को उधार देते हैं, सबको उधार देते हैं। चौधरी एंड सन्स, आपका भी कुछ उधार बाकी है शायद? देखूंगा, अकाउंट देखूंगा। मेहता टेक्सटाइल्स? अरे जब मेरा चौधरी एंड सन्स ही नहीं है तो तेरा मेहता टेक्सटाइल्स कैसे हो सकता है? चौधरी एंड सन्स, शक्ल से तो बीडी के कारखाने का मजदूर लगता है, साला चूसा वाम। ये टोपी आपने कहां से ली? फ्रांस से? नहीं, स्विट्जरलैंड से। मैं वहां अक्सर जाते रहता हूँ, मुझे वहां की शाम बहुत पसंद है। नहीं नहीं, टोपी भी बहुत अच्छी लग रही है, आप पे बहुत सूट हो रही है। साला ऐसे लग रहा है जैसे बंदर के सर पे तरबूज। ये लाल जैकेट आपने कहां से लिया? कहीं ये चौधरी एंड सन्स का तो नहीं? नहीं नहीं, फिर आपने अमेरिका से लिया होगा? नहीं, मैंने ये न्यूयॉर्क से लिया है। न्यूयॉर्क? अच्छा, मैंने सोचा अमेरिका से लिया होगा। साला, मैं भी फेंकू और ये भी फेंकू, सर्कस का रिटायर्ड बंदर लगता है। आप लोग जा कह रहे हैं? ऊटी। ऊटी तो मैं भी जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ? आप भी जा रहे हैं? हाँ? लगता है हम तीनों की मंजिल एक ही है। घूम के देगा सफर। हाँ। चले जिंदगी बनाने बंदे सयाने और नाम के दीवाने। तो मस्ताने चले जिंदगी बनाने बंदे सयाने और नाम के दीवाने। किसी हसीना से महजबीना से, किसी हसीना से महजबीना से, दिल को बचाते हुए अखियां लड़ाने, अखियां लड़ाने। दो मस्ताने चले जिंदगी बनाने
बंदे सयाने और नाम के दीवाने, अरे तो मचताने चले जिंदगी बनाने, बंदे सयाने और नाम के दीवाने, किसी हसीना से महजबीना से, किसी हसीना से महजबीना से, दिल को बचाते हुए अखियां लड़ाने, बंदे सयाने। अपना बना के जरा बम 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 बम, मर नहीं पड़ा उस पे तो मर गए जान बजा के जरा बम 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 बम, कहीं तो कोई होगी यारा रखेगी अपना बना के जरा, मर नहीं पड़ा उस पे तो मरेंगे जान बचा के जरा, दो मस्ताने चले जिंदगी बनाने, बंदे सयाने और नाम के दीवाने, दो मस्ताने चले जिंदगी बनाने, बंदे सयाने और नाम के दीवाने, किसी हसीन से महजबीन से, किसी हसीन से महजबीन से, दिल को बचाते हुए अखियां लड़ाने, बंदे सयाने। मस्ताने चले जिंदगी बनाने, बंदे सयाने और नाम के दीवाने, किसी हसीना से महजबीना से, किसी हसीना से महजबीना से, दिल को बचाते हुए अखियां लड़ाने, बंदे सयाने। क्या बात करता है, अरे अरे ये क्या, दो चाय क्यों, एक का वापस ले जाओ, एक का वापस ले जाओ। लेकिन मैं भी तो पीऊंगा। अरे यार दो दोस्त एक प्याले में चाय पिएंगे, इससे दोस्ती बढ़ती है क्या? अच्छा ये ले पी। अरे ये हम लोग चाय नहीं बांट रहे हैं दोस्त, प्यार बांट रहे हैं, प्यार। ये ले। अरे ये क्या कर रहे, वापस रख, वापस रख, मैं पैसे दूंगा, पैसे मैं दूंगा, वापस रख। नहीं क्यों, ये नहीं चलेगा, ये गलत बात हो गई, ये गलत बात हो गई, वापस रख। अरे एक ही बात, नहीं एक बात नहीं, ये गलत बात हो गई, ये कैसी दोस्ती, पैसे दो। अच्छा अच्छा ले लेता, ठीक है। अब तू जबरदस्ती कर रहा है तो तू दे दे, लेकिन देख अगली बार मैं दूंगा, ऐसा नहीं चलेगा बार बार तू देगा, ये क्या बात हुई। चल ले चाय पी। ए बटला डनी इधर आ, ये ले जा, चल तू देखना प्रेम, आगे चलकर लोग हमारी दोस्ती की मिसाल देंगे। क्यों नहीं क्यों नहीं। ए अमर वो देख तेरी होने वाली भाभी, सो स्वीट। तेरी शादी माधुरी दीक्षित से हो रही है? नहीं वो नहीं, उसके नीचे वाली रवीना फ्रॉम लंदन। अबे वो मेरी भाभी नहीं तेरी भाभी है, समझा? ए अमर हमारी दोस्ती, हमें दोस्ती कहीं भाड़ में, वो भाभी होगी तेरी और शादी होगी मेरी। हाँ उई माँ, ये तो तू सुक्का पलटी खा रहा है। हाँ पलटी खा रहा हूँ तो क्या हो गया, मैं तो तुझे पहले ही पहचान गया था रवीना से शादी करेगा। थोबड़ा देगा अपना, ये चवन्नी की टोपी पहन के पता क्या लग रहा है, साला बंदर के सर पे तरबूज तरबूज तरबूज। हाँ इंसल्ट। हाँ और तू ये फुटपाथ का लाल जैकेट पहन कर तू सर्कस का रिटायर्ड मंकी लग रहा है, मंकी बंदर है तू, चूसा नाम और जिंदगी खुदवा मैं करूँ, जिंदगी खुदवा खुदवा इसको। बैग बस में,
शांति शांति। हेलो सर, हेलो, आई एम अमर। हेलो अमर। एंड आई एम प्रेम। हेलो प्रेम। अमर प्रेम, अरे क्या बात, क्या बात। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर लगता है ये पुलिस स्टेशन नया खुला है। बिल्कुल नया है। अच्छा सर, ये दोनों एक मिनट यार बात कर रहे हैं। तुम चुप रहो यार। बिल्कुल नया है, ढाई महीने के रिकॉर्ड टाइम में हमने खड़ा किया है। सर ये दोनों, अरे यार मैं जानता हूँ ये दोनों अमर प्रेम है। अरे जब बड़े बात कर रहे हैं तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। चुप रहो सर, ये दोनों हर चीज नहीं है यहाँ पे। अच्छा। टेबल नया, कुर्सी नहीं, हर चीज नहीं है यहाँ पे। बस एक रिबन काटने वाले का इंतजार है। हाँ? रिबन? लॉकअप का रिबन काटना पड़ेगा ना। उसके लिए मुझे एक चोर, एक चक्का, कोई बदमाश, कोई लफंगा चाहिए मुझे। रिबन काटेगा और मुझे, मुझे। अच्छा हम लोग चलते हैं सर। अच्छा हम लोग चलते हैं, बहुत खुश हुई आपसे मिलकर। थैंक यू सर। इन्हें रिबन काटने के लिए लाया था सर। हाँ ये तीन नंबर के दोनों गुंडे हैं। हाँ रास्ते में उठा पटक कर रहे थे। उठा पटक? सर मैं नहीं सर, सर ये। हाँ सर। नहीं 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 मैं नहीं सर, ये सर। सर शुरुआत इसने की थी। हाँ नहीं सर, पहले हाथ इसने छोड़ा था सर। अरे टंगड़ी किसने मारी थी? और पहले गाली किसने दी? साला किसने पहले बोला था? साला मैंने, नहीं साला मैंने नहीं बोला था। साइलेंस, दोनों को अंदर कर दूंगा। सर मेरी शक्ल देखिए सर, क्या मैं मारपीट कर सकता हूँ? नहीं मैं तो अहिंसा का पुजारी हूँ सर। सर ये एक नंबर का झूठा है सर, ये आपकी शक्ल पे जा रहा है सर, ये आपको उल्लू समझ रहा है। उल्लू? हाय ला सर, आपको उल्लू बोला, आपको गाली दी। अरे उल्लू खादा बेवकूफ तो मैं भी बोल सकता था, लेकिन मैंने बोला नहीं नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो आप शक्ल से दिखते हैं वो है नहीं। तुम लोग दोनों मिलकर मुझे मेरे ही पुलिस स्टेशन में गालियां दे रहे हो। गाली साहब को दी, इसको अंदर कीजिए, मुझे बाहर कीजिए। हेलो, अरे साहब बिजी है। अरे कमिश्नर होगा, अपने घर का होगा। अल्लाह सर, कमिश्नर का फोन था। कमिश्नर का पत्ता काट ही दिया। और ऊपर से कानून सिखा रहा है, बोल रहा है कि मुझे अंदर कर दो। लेकिन सर मैं जानता हूँ कि आप ग्रेट हैं और आपने चोर को पहली नजर में पहचान लिया होगा। सर मस्का लगा रहा सर, पोल्सन पोल्सन सर, ये कहीं रिबन शक्कर का मैं इसमें। ए शक्कर ला, शक्कर ला रे सर। झूठी नैपकिन चाय झूठी की सर, मेरी चाय झूठी। रख दे इसको अंदर, अंदर कीजिए। मेरी चाय पी गया, मुझे गालियां दी, मैं तुम दोनों से तंग आ गया हूँ। सर तुम जाए, मैं तुम दोनों से एक एक करके निपटूंगा। सर पहले मुझसे, मुझे जरा जल्दी है। सर सर मुझे कोई जल्दी नहीं। तुम जाओ, तुम जाकर वहां बैठो, जाओ जाओ बैठो। बात बात पे पिस्तौल दिखा था खड़ूस। हाँ प्रेम साले का पर्स मारा था, देखता हूँ कितना माल है साले करोड़पति के पास। बंदर साला है खाली, पॉकेट मार, तेरा मुंह काला। अबे तेरी तो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अब तुम उधर जाओ। सर लेकिन प्लीज उधर जाओ। क्यों नहीं? ए तुम इधर आओ। मैं? हाँ इधर आओ। सर अरे मेरी बात सुन। अबे सर सुनने सुनाने का टाइम गया, अब मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जिस चोर चक्के की आपको तलाश थी उसे मैं पकड़ के लाया हूँ। इसकी भोली शक्ल पर मत जाइए, दरअसल ये बहुत ही कमीना और खतरनाक मुजरिम है। अब आप इस पर कोई अच्छा सा दफा लगाकर इसे अंदर कर दीजिए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अरे ये आप इधर इधर क्या देख रहे हैं? उधर इधर देखिए, उधर इधर। सर ये मैं नहीं हूँ सर, सर ये मैं नहीं हूँ सर। चले, ये मेरा जुड़वा भाई है। पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा। तालियां तालियां। फोटो फोटो फोटो, एक फोटो, एक ऐसे पकड़े हुए। हाँ ये, अरे मेरा भी फोटो। ये ले तेरा पर्स। क्यों बच्चू, तू मेरा पर्स मारेगा और मैं तेरा पर्स छोड़ दूंगा? पांच रुपए छोड़े मुश्किल में काम आएंगे। मैं चला। देखो इस लॉज में एक भी रूम खाली नहीं है, तो खटिया दे दीजिए। खटिया भी खाली नहीं है, तो खटिया के नीचे डाल दीजिए। मैं वहीं सेटल हो जाऊंगा। देखो तुम्हें देखिए, आपके भगवान आपको देख रहे हैं, आपके भगवान आपको देख रहे हैं। आपकी तरह मैं भी उन्हीं का एक भक्त हूँ। अच्छा। अगर आज मुझे सोने की जगह नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। मर जाओ। अगर मैं मर गया तो मेरी अंधी बहन और विधवा माँ, अंधी बहन और विधवा माँ। हे भगवान, ये तो हमसे घोर पाप हो जाता। देखो सुनो, ऊपर एक रूम है, चलेगा, उसमें काफी सामान पड़ा है और एक चलेगा चलेगा चलेगा। चलो शिवराम जी। हाँ आप पुरुष नहीं? हाँ क्या? महापुरुष है, महापुरुष। बोलो नहीं, सुनते रहो, फॉलो मी। चलिए शिवराम जी, ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं? बोलो नहीं, सुनते रहो।
सोते समय आवाज तो नहीं करते हो ना? नहीं नहीं, पास में ही कब्रिस्तान है, वहाँ से कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। नहीं नहीं, रात को 1 से 2 के बीच नहाने का पानी आता है, नहा लेना। रात को 1 से 2 के? बोलो नहीं, सुनते रहो। अंदर जो पंखा है ना, उसे छेड़ना नहीं, कभी भी गिर सकता है। और सूरज ढलने के बाद बत्ती नहीं जलाना इधर। लेकिन सूरज ढलने के बाद ही तो बत्ती, मेरा मतलब है ये कपड़े कैसे बदलूंगा मैं? कपड़े बदलने के लिए बत्ती की क्या जरूरत है? फटाफट उतारो और सो जाओ, किसी को कुछ देखना दिखाना है क्या? नहीं। साला मोटा, बत्ती भी नहीं जलाने देता। कोई बात नहीं चीते, एक दफा रवि ना तेरी जिंदगी में आ जाए फिर बत्ती बत्ती है, बत्ती बत्ती। ओह बहुत थक गया रे। हाँ बिस्तर, चलो सो जाओ। ओह तुम्हारा अमर आ गया रवीना। उस प्रेम ने तो मुझे फंसा ही दिया था, लेकिन तुम्हारे प्यार ने मुझे बचा लिया। तुम्हारे बारे में बहुत सारे गधे सोच रहे होंगे रवीना, लेकिन जब तुम प्रेम से मिलोगी तो प्रेम के प्रेम में प्रेम दीवानी हो जाओगी मेरी प्रेमिका। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है रे? तू यहाँ क्या कर रहा है? लगता है मर गया साला, बेचारी की आत्मा भटक रही है। तेरी आत्मा भटक रही है। अबे चल, अबे चल, अबे हट जा, उड़ उड़। आइला ओए माँ, अबे अमर तू कैसा है रे? हाँ फर्स्ट क्लास, तू कैसा है रे? टिप टॉप। हाँ? अबे तू 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 यहाँ कैसे? अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? देख अमर, पहले मैं यहाँ आया था। धोखे से आया था तू? देख अमर, पहले बस तूने मारा था। हाथ पहले तूने मारा था। क्या बोला? अरे भाई ये क्या हो रहा है? मेरी लॉज में दंगा फसाद मारपीट? हाँ? नहीं नहीं मारपीट नहीं, मारपीट नहीं, प्यार प्यार। सेवराम जी वो क्या है कि हम लोग बचपन में बिछड़ गए थे, इसलिए प्यार उमड़ है, प्यार उमड़ है, भरपूर प्यार। क्यों रे प्रेम? हाँ। तू क्यों बिछड़ गया? नहीं नहीं मैंने ही बिछड़ा था, हम लोग कुंभ के मेले में खो गए थे, कुंभ के मेले में, इसने मेरा हाथ छोड़ा था, तूने मेरा हाथ क्यों छोड़ा? आजा मेरे गले लग जा मेरे भाई, आजा। अब मुझे कभी नहीं छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना। कितना मोटा हो गया रे? हाँ मोटा हो गया नटखट। गले मिलो। तुम दोनों का प्यार देखकर मुझे रामानंद सागर की रामायण का वो एपिसोड याद आ गया जिसमें भगवान राम और भरत का मिलाप हुआ था। गुड नाइट, गुड नाइट। जय श्री राम। मेरे भाई मर, मेरे दोस्त के पास तू, अबे तेरी तो मैं छोड़ूंगा। ए, दो नहीं, एक चाय वापस, एक चाय वापस। दो दोस्त एक प्याले में चाय पियेंगे, इससे प्यार बढ़ता है। अबे रख जा। अबे काय का तू यार, भाड़ में गया तेरा प्यार। अबे सुबह से समझा रहा हूँ कि रवीना तेरी हैसियत की नहीं, एक तो समझता नहीं ऊपर से भड़कता है, बेवकूफ। चल छाना मारो भोपाल निकल। अबे हुल दे रहा, मसल देखा, मसल मसल के रख दूंगा। अबे बॉडी दिखाता है, डेढ़ पसली। सुन ले रवीना मेरी है, मेरी। हाँ तेरी भाभी है क्या? अरे तुम लोग आपस में इस तरह से लड़ क्यों रहे हो? रवीना तीनों में से जिसके नसीब में होगी उसे मिल जाएगी। ये तीसरा कौन है? अबे तीसरा कौन है रे? क्यों मैं भी तो हूँ। अबे तू, तेरी ये जुर्रत तूने सोच भी कैसे लिया? अरे जैसे तूने सोच लिया। ए अमर बहुत हो गया, मेरा गुस्सा बहुत खराब है। मैं क्या करेगा तू? क्या करेगा? मैं सोचूंगा सोचूंगा। अरे सोचने का टाइम नहीं है। तुम लोगों को क्या लगता है कि सिर्फ हम तीनों ही यहाँ रवीना से शादी करने के लिए आए हैं? अरे जरा वहाँ जाके देखो, हजारों लोग जमा है। अच्छा लाइन लगी हुई है, टोकन बट रहे हैं इंटरव्यू के लिए, 20 घंटे लाइन में खड़े होने के लिए आपने वास्ते। ओए माँ, 717। अरे मेरी रवीना का इतना डिमांड? अच्छा अच्छा, हद हो गई ये बेकारी की, शर्म आनी चाहिए इस देश के नौजवानों को। एक अमीर लड़की की आ गई, सबके सब उसके पीछे लग गए राल टपकाते हुए, न सूरत न शक्ल न अकल, जिसे देखो चला रहा है। अबे तू भी तो आया। अरे मेरी बात और है यार। अब सुनो, सबसे पहले हमको एक काम करना होगा, जितने लोग इस चक्कर में यहाँ आए हैं पहले उनका पता काट, उसके बाद जिसके नसीब में होगी उसको मिलेगी। अबे जिसके नसीब में होगी उसको मिलेगी। हाँ ठीक है ठीक है, चलो चलो यार। पॉकेट में रवीना, बदतमीज, गवार, बाजी, उल्लू, नामकूल, गधा, बेवकूफ।
हमारी शख्सियत पूछता है मियां ठमरू बताओ इन्हें हम कौन हैं बताओ जी ये है नवाब नूर अली निजामुद्दीन बरकत अली उर्फ बड़े मियां और ये है अमीर अली असलील अली असली उर्फ छोटे मियां और मैं हूँ डमरू तैमूर लंग तुरु इतने सारे नाम बाकी लोग किधर है शट अप रॉबर्ट ये इन्हीं लोगों के नाम है चुप रहो पहले ये बताओ कि तुम कौन हो मैं रवीना जी का सीनियर एग्जीक्यूटिव मैनेजर हूँ और मैं जूनियर मियाँ छोटे लगता है ये हमारी रनिया बेटी के नौकर है नौकर शक्ल से ही दिखाई देते हैं मियाँ छोटे हाँ मियाँ बड़े हमारी लाडो रनिया नहीं दिखाई दे रही मेरी भी निगाहें उन्हीं को ढूंढ रही हैं कौन रनिया यहाँ रवीना बजाज का फंक्शन है अरे वही तो हमारी लाडो रनिया मैं उसे गोद में खिलाया करता था मैं उसे कंधे पे घुमाया करता था वो मुझे मामूजन मामूजन कह के बुलाती थी और मुझे छोटे मामू अच्छा अब उनके मामू है अब बहुत अच्छा टाइम पे आए देखो अच्छा? क्या है आज रनिया का मेरा मतलब है आज रवीना जी का स्वयंवर है स्वयंवर हाँ बहुत सारे लड़के लोग जमा हुए हैं इसीलिए घर के बदले में सारा फंक्शन इधर क्लब में अरेंज किया तमीज कहाँ है सारे नौजवान उधर ले चलो हमें ले चलो ये देखो इधर है सब मुस्तंडो नौजवानों इधर आओ और मेरी बात सुनो इधर आओ रवीना से शादी करने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो क्योंकि उसकी शादी बचपन में ही तय हो चुकी थी प्रेम सिंह के साथ अमर सिंह अमर सिंह चलो दफा हो जाओ यहाँ से दफा हो जाओ थमरो जान ले लो सबकी जो हुकुम नवाब साहब दो नवाब जादे आए हैं छोटे और बड़े कहते उन्होंने आपके पिताजी को गोद में खिलाया है और आप उन्हें मामू जान कहती थी मामू जान मेरी रनिया बेटी पहचाना मुझे बेटा बड़ा मामू हट बाजी डराता बच्ची को आजा मेरे पास आजा याद है बेटी हम चौक में घुमा करते थे वो हलवाई की दुकान वो सफेद सफेद रसगुल्ले और वो रानी पाकी शेर वो चीता वो शेर वो भालू हटवा जी फिर डराए बच्ची को आजा बेटी आजा बड़े मामू के गले लग जा आजा मेरी लाडो रानिया आजा आजा बचपन में तो तू से बीटा करता था ये तो छोटे से हिली थी मेरा गुलाब जामुन मेरा पेठा मेरी अरे मुन्नी लगता है छोटे को जरा भूख लगी है जाओ इसे कुछ खिला दो जाओ जाओ बड़े मुझे भूख नहीं लगी आप बार बार पीछे मुड़ के क्या देख रहे हैं बेटी बड़े मामू को मिर्ची के दौरे पड़ते हैं और जो भी सामने आता है उसे लिपट जाते हैं सच ओह अच्छा अब जल्दी सी मिठाइयाँ खाइए फिर चल के देखते हैं मिठाइयाँ अब हम इधर ही देखते हैं वाह 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 सुभान अल्लाह तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत है बेटी इसलिए हमने तुम्हारी शादी ठाकुर अमर सिंह के साथ तय की है कौन अमर सिंह आईं तुम अमर सिंह को नहीं जानती नहीं। अरे बेटी अमर सिंह ऐसा खूबसूरत नौजवान है कि जिस मोहल्ले से भी वो गुजरता है वहाँ की लड़कियाँ हाय अल्लाह ओए अल्लाह करके फटाफट गिरती हैं फटाफट गिरती हैं फटाफट गिरती हैं लेकिन मैं आपकी बात का कैसे यकीन मान लूं बदतमीज गुस्ताख तुम्हें हमारी बात पर शक है अरे बेटी आज भी सारे अलीगढ़ में हमारी राय के बिना कोई शादी नहीं होती हाँ कोई शादी नहीं होती ऐसा रुतबा है हमारा ऐसा तजुर्बा है हमारा ये दाढ़ी हमने धूप में सेवा देखी है हाँ पकड़ो अजी बड़े मामूर हमारे तो बड़े किस्से हैं हिंदुस्तान की आजादी से लेकर आज तक क्या क्या नहीं किया हमने तो आप रवीना को बचपन से जानते हैं अरे रनिया बेटी को क्या हम तो उसके बाप को जानते हैं बच्चू को और क्या क्या जानते हैं आप अरे एक बार रनिया बेटी गोद में बैठ जाती थी तो उठने का नाम नहीं छोटे मामू ये खिलाओ छोटे मामू कहानी सुनाओ छोटे मामू शहर में ले जाओ तो इसीलिए आपने उसके लिए एक लड़का भी चुना क्या लड़का चुना है लाखों में एक है प्रेम सिंह लेकिन बड़े मियाँ तो कह रहे थे कि अमर सिंह सटिया गए हैं बड़े मियाँ ना उन्हें दिखाई देता है ना उन्हें सुनाई देता है वेरी स्मार्ट हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं बड़े मामू लेट गए वैसे तबीयत तो मेरी भी सुस्त है मैं भी थोड़ा सा लेट जाता हूँ हम आपको लेटाने का सारा बंदोबस्त कर चुके हैं मेरी छड़ी कहाँ है छड़ी ये बड़ी अब दाढ़ी निकल गई थी तो इशारा कर दिया होता मैं भी तेरे साथ भाग लेता भगवान तेरे जैसा दोस्त किसी दुश्मन को भी नहीं अरे इसलिए तो कहता हूँ कि भोपाल वापस लौट जा यहाँ तेरी दाल नहीं गलने वाली अरे दो चाय क्यों एक चाय वापस दो दोस्त एक प्याले में चाय पियेंगे इससे दोस्ती बढ़ती है वापस वापस अबे रट जा
बाहर रह गई तेरी दोस्ती, बर्बाद बेवकूफ बनाते रहता मेरे को, क्या समझा बेवकूफ। हाँ। अबे तेरी तो ए, पहले से टूटा बूटा है, एक मारूंगा बिखर जाएगा। अबे कमर टूटी है, कोनी नहीं। अबे कोनी दिखाता है, मारोगे मारोगे। अरे 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 तुम लोग लड़ क्यों रहे हो, हाँ रेस के मैदान में तुम अकेले हो, मैं तो मैदान कब का छोड़ चुका हूँ। अबे चुप, तू मैदान में था ही कब? अरे कहाँ मैं और कहाँ तुम दोनों? हाँ अबे अरे मैं था, बिल्कुल था, मगर इस आशिक की हालत को देखकर मैं आशिक ही भूल गया। मैं आनंद अकेला अकेला ही ठीक हूँ, लेकिन मैं हमेशा आपकी मदद करूंगा, मरते दम तक करूंगा। सीख सीख इससे कुछ। हाँ। कितनी अकलमंदी की बात कर रही है। हाँ। और कल से तू भी मेरी मदद करना, समझा? हनुमान जी तो कभी माफ नहीं करेंगे। अबे अरे तुम लोग बारी बारी कोशिश क्यों नहीं करते? हाँ, पहले कोशिश मैं करूंगा। अबे टेढ़े, पहले कोशिश के काबिल तो बन। देखो मरते को मेरी हाय लगेगी। अबे चुप। अबे अबे तुमने शोले पिक्चर देखी है? हाँ, 10 बार। हाँ, इसके बाप ने लिखी है। देख तू बाप पे मत जा। जा जा। देखो देखो, शोले पिक्चर में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र सिक्का उड़ाकर फैसला करते थे, ऐसा ही तुम करो, जो जीतेगा वो पहले कोशिश करेगा। हाँ, हाँ, ये अच्छा है। सिक्का उड़ाते हैं, जो जीता वो सिकंदर और जो हारा वो बंदर, ठीक है ना? ये है सिक्का, अब तुम ले भाई, चित में जीता और पट्टू हारा, ठीक है ना? नहीं नहीं नहीं, इसे उल्टा कर, उल्टा। चलो यार, जो तू कहे वही सही, पट्टू हारा और चित में जीता, अब तो ठीक है ना? ये ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। ये सिक्का उड़ा और ये आइला, पट्टू हारा मतलब मैं जीता, रवीना मैं आया, रवीना मैं आया। चित वो जीता तो पट्टू जीता, तू हारा किधर, तू तो जीता है। अरे हाँ, अरे मैं सिकंदर। अबे वो तुझे बंदर बना गया। साला प्लान तो ऐसा बनाया कि एक ही झटके में लड़की के बेडरूम में। बेडरूम में? बिल्कुल, और बेडरूम में पहुंचने के बाद दिल तक पहुंचने में टाइम ही कितना लगता है। बिल्कुल नहीं, बस एक ही प्रॉब्लम है, डंडा। डंडा? हाँ, एक बार किसी तरह लड़की मुझे डंडा मार दे। लेकिन वो मारेगी क्यों? परेशान जो करूंगा। तो मुझसे परेशान भी करोगे? बहुत परेशान करूंगा मैं, बहुत परेशान। लेकिन क्यों? डंडा जो खाना है। तुम खा लोगे डंडा? शौक से। तो डंडे की फिक्र तुम मत करो, मैं दे दूंगा। सच? 16 आने। तेरे पास आऊं, तेरे पास आके तेरा हो जाऊं। दिल करता है तेरे पास आऊं, तेरे पास आके तेरा हो जाऊं। रस्ते रस्ते गलियों गलियों कहां तक फिरूं मैं दीवाना। अब तो गले से लगाना। दिल करता है तेरे पास आऊं, तेरे पास आके तेरा हो जाऊं। दिल करता है तेरे पास आऊं, तेरे पास आके तेरा हो जाऊं। रस्ते रस्ते गलियों गलियों कहां तक फिरूं मैं दीवाना। अब तो गले से लगाना। देखो मेरी जानो ना इतना बनो, तन दुख जाए ना इतना तनो। देखो मेरी जानो ना इतना बनो, तन दुख जाए ना इतना तनो। रसते रसते गलियों गलियों कहां तक फिरूं मैं दीवाना। अब तो गले से लगाना। दिल करता है तेरे पास आऊं, तेरे पास आके तेरा हो जाऊं। रसते रसते गलियों गलियों कहां तक फिरूं मैं दीवाना। अब तो गले से लगाना।
दिल में बिठाना, इन बाहों में छुपाना, जाने जाना आना आना आना, मुझे दिल में बिठाना, इन बाहों में छुपाना, जाने जाना। अखियां मिली है तो देखो जरा, अकल मिली है तो सोचो जरा, अखियां मिली है तो देखो जरा, अरे अकल मिली है तो सोचो जरा। रस्ते रस्ते गलियों गलियों, कहां तक फिरूं मैं दीवाना, अब तो गले से लगाना, दिल करता है तेरे पास आऊं, तेरे पास आके तेरा हो जाऊं। रस्ते रस्ते गलियों गलियों, कहां तक फिरूं मैं दीवाना, अब तो गले से लगाना। तेरा हो जाऊं, दिल करता है तेरे पास आऊं, तेरे पास आके तेरा हो जाऊं। अरे पुलिस पुलिस, मार डाला, अरे कोई है, पुलिस नहीं नहीं, पुलिस! ये मैंने नहीं किया, अरे तुमने मैंने किया, कैसे नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, हाथ तुम्हारा, डंडा तुम्हारा, माथा इस बेचारे का, मारा तुमने, अरे मर गया बेचारा, पुलिस! ये डंडा बार बार मेरे सामने आ रहा था, ये बदतमीजी किया जा रहा था, मैंने कितना कंट्रोल किया कि मैं इसे नहीं मारूं, मैं नहीं मारूं, मैं नहीं मारूं, पुलिस पुलिस को मत बुलाइए। तो और किसे बुलाऊं? नहीं नहीं, सांस ले रहा है, अभी उठ जाएगा। ये क्या उठेगा बेचारा, इसे तो अब चार आदमी ही उठाएंगे, ये बेचारा तो दुनिया से उठ गया, जवानी में ही मर गया बेचारा। पुलिस, अरे पुलिस, नहीं, नहीं, पुलिस को मत बुलाइए, मैं इसका इलाज करवाऊंगी, चलिए चलिए मेरी मदद कीजिए। कहाँ हूँ मैं, कौन हूँ मैं, आप लोग कौन हैं? मैं कहाँ से आया हूँ, क्या नाम है मेरा? अरे 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 बेचारी की आकाश गई, वेरी स्मार्ट, और ये सब कुछ आपके डंडे की वजह से हुआ है। अब क्यों डांटते रहते हैं मुझे? ये बेचारी क्यों रो रही है, कौन सा डंडा, कैसा डंडा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग मुझे समझाते क्यों नहीं, आप ही मुझे समझाइए, आप ही को समझाना पड़ेगा, समझाइए ना स्मार्ट बॉय। रवीना ये तुमने क्या कर दिया, तुम ही मुझे डांट रही है, मैं नहीं बात करूंगी किसी से, अब तो मुझे पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा, पुलिस 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 को मत बुलाइए प्लीज, मारा इनको मैंने ही था, मैं इनका इलाज कराऊंगी, जब तक इनकी यादाश्त नहीं जाती ना, मैं इनको यही रखूंगी, मैं इनका ख्याल रखूंगी। आप कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है, कितना ख्याल रखती है मेरा। क्या नाम है आपका? रवीना जी, रवीना। लेकिन तुम्हारा जल्दी ठीक होना बहुत जरूरी है। क्यों, जल्दी क्यों? क्योंकि कल बजाज साहब आ रहे हैं। हैला सर, गलती से मिस्टेक हो गया सर, क्या मैं बताना ही भूल गया, बजाज साहब का लंदन से फोन आया था, वो कल नहीं अगले हफ्ते आ रहे हैं। डैडी भी कमाल करते हैं, परदेश में हम दोनों को अकेला छोड़ दिया, रोज एक नई मुसीबत, कोई फिक्र नहीं है उन्हें हमारी। हाँ, मैं भी यही सोचा था, कोई फिक्र नहीं है आप लोगों की। अरे कैसे डैडी हैं, उनको तो यहाँ आना चाहिए था आपके साथ, जरा सोचिए। हाँ। दो बिचारी अब अकेली लड़कियाँ अजनबी शहर में। हाँ? रॉबर्ट जरा फोन लगाओ, मैं बात करता हूँ। अरे मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ? वेरी स्मार्ट। ये कौन है? वेरी स्मार्ट, जवानी में आप काफी खानदानी लगते थे। धोखा खा गए ना, यही तो गेम है। मेरा भाई है जुड़वा, राम गोपाल बजाज। मेरा नाम तेजा नहीं है, श्याम गोपाल बजाज, श्याम राम, राम श्याम। हाउ वेरी इंटरेस्टिंग, बाप का बहुत लाडला था, मेरा बुढ़ा साला इसको बहुत प्यार करता था, न जाने साले ने क्या जड़ी बूटी पिलाई थी, सब साले को राम समझते थे और मुझे रावण समझते थे, और तभी मैंने सोचा था कि मैं साले बाप को भी सटका डालूंगा, उसके भी पत्ते बिछा डालूंगा, और फुल ट्राई मारा था मैंने, गलती से वो हमारा मुनि भारी शंकर, उसके पत्ते मैंने बिछा दिया। लेकिन अच्छा हुआ, वो साला बहुत धर्म कर्म की बात करता था, बहुत बोर करता था वो, और उसी केस के अंदर मुझे 10 साल की हो गई, मैं 10 साल जेल में था, और 12 तो पूरा बाजी उल्टा, ये लंदन चला गया और 1 करोड़ के 30 करोड़ बनाया। लेकिन सर आप खुद कह को लंदन नहीं चला गया, कैसे जाता लंदन,
पुलिस पीछे पड़ी है ना। मोगेम्बो का 5 लाख का घपला किया तो उसका भतीजा ढूंढ रहा है ना। मुझे लंदन नहीं देखना है क्या? कैसे जाता? How sad. लेकिन अब अपने बुरे दिन हवा हो गए। वो छोकरी इसी की है। एक बार मेरी लंका में आ जाए, मैं रावण के जैसा डिफीट नहीं खाने वाला हूँ। मैं नहीं खाऊंगा डिफीट, तेरे सब पत्ते साले में पीस डालूंगा। देख, करोड़ों का फायदा और सिर्फ एक खून। तेजा साहब, ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं उसे ऐसी मौत मारूंगा कि उसे पता भी नहीं चलेगा कि वो मर गया। लेकिन ये जब इंडिया आएगा तब तुम उसे मारोगे ना? लेकिन ये कब इंडिया आएगा? कब आएगा? सर सर, इसका लड़की आ गया है ना, ये जरूर आएगा इंडिया। हाँ? अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। इसके लड़के को खत्म कर डालो। कौन रवीना जी? क्या हुआ टीलू? क्या बताऊं रवीना जी, आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरी आंखों की रोशनी चली गई। हम कहाँ हैं? हम कहाँ हैं? पहले याददाश्त गई तो दुनिया अजनबी हो गई, अब आंखों की रोशनी जा रही है तो दुनिया अंधेरी हो रही है। अपने आप को संभालो टीलू। क्या खाक संभालूं? एक मिनट, जरा इधर आइए। मुझे छोड़ दीजिए। नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। मुझे जीने का कोई हक नहीं रवीना जी, मुझे जीने का कोई हक नहीं। क्या हो रहा है? टीलू जान दे रहा है। ओ अच्छा, मैडम आपसे कोई मिलने आया है। छोड़ दीजिए मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ दीजिए मुझे। आई लव। कौन है आप? क्या काम है? पुलिस। घबरा ही नहीं, मैं हूँ पुलिस डॉक्टर। जिस तरह पुलिस सूंघकर चोर को ढूंढ निकालती है, वैसे ही मैं सूंघकर मरीज तक पहुंच जाता हूँ। डॉक्टर प्रेम खुराना। खुराना खुराना, पुराना नहीं खुराना, डॉक्टर प्रेम खुराना। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपके इस घर में एक मरीज छुपा हुआ है। जी जी, वो मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं डंडा लेके खड़ी थी। जानता हूँ, लेकिन वो है कहाँ? हमें क्या पता था वो अपनी याददाश्त खो देगा। अब तो टीलू को कम दिखाई देने लगा है। टीलू? हाँ टीलू, वो हमें टीले पे मिल गया था ना, तो हमने उसका नाम टीलू रख दिया। मुझे देखते ही उसको सब कुछ साफ दिखाई देगा। क्यों टीलू? तू देखा, पहचाना कि नहीं पहचाना? इसका मतलब टीलू की याददाश्त आ जाएगी वापस? इस जन्म की, 7 जन्म की वापस आएगी। ऐसे मरीजों की नस नस में वाकिफ हूँ। रवीना जी, ये कौन है? ये डॉक्टर है। डॉक्टर प्रेम पुराना, इस धंधे में बहुत पुराना। हैला, ये डॉक्टर है या कारपेंटर? कारपेंटर मेरा बाप था। रवीना जी, मुझे इससे इलाज नहीं करवाना है। आप मुझे आप जहर दे दीजिए, लेकिन मैं इससे इलाज नहीं कराऊंगा। मुझे मरना है, मुझे मरना है। हाँ हाँ, तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर देंगे। हाँ छोड़। नहीं, हाँ छोड़। नहीं रवीना जी, ये बीमारी छूने से फैलती है। रवीना जी, अब मैं आ गया हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा नाम है प्रेम, प्रेम खुराना। देखिए अब मैं इसे कैसे ठीक करता हूँ। डॉक्टर, अबे साले प्रेम, भूल गया अपनी दोस्ती? मैं तो तेरा दोस्त हूँ यार। बाहर में गई तेरी दोस्ती, तू चिटिंग से आया। जी जाता है, तेरा गला दबा दो। अबे घोड़े का इंजेक्शन लेके आ, घोड़ी की तरह ही नहलाता रहेगा। ये आपस में क्या बातें हो रही हैं? ये डॉक्टर और पेशेंट की आपस की बात है। आपस की बात? आपस की बात। ये रॉन्ग नंबर क्यों लग रहा है? डॉक्टर टीलू, इलाज। ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है? रवीना जी, आप ही मेरा दर्द समझ सकती हैं। मुझे नहीं चाहिए याददाश्त, जो कुछ थोड़ी बहुत बाकी है उसी से काम चला लूंगा मैं। रवीना जी, ये बीमारी छूने से फैलती है। इसके इलाज के लिए आदमी तो क्या, इससे खाना भी एकदम दूर रखना चाहिए। कहते हैं कि दोबारा उसी जगह पर चोट लगने से याददाश्त वापस लौट आती है। हाँ, ऐसा भी होता है। नहीं नहीं, तो फिर उसे एक और डंडा मारा जाए। Why not? Not a bad idea. नहीं नहीं, लेकिन डंडा उसी नस पे पड़ना चाहिए, और वो भी कस के। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ, 2-4 बार मारूंगी तो सही जगह तो लगी जाएगी ना डॉक्टर। मर गया यार। नहीं रवीना जी, आपने पहले मारा था ना, अब मैं ट्राई करता हूँ। What do you mean? लाइफ होता है इसको? अरे बहुत पटके पड़ने वाले हैं तेरे को। कसके पड़ेंगे। ये काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए,
सिर्फ ये बताइए कि मरीज को कब और कितने डंडे मारने हैं। सर मैं मारूं? अरे शट अप, दो और ये दो, चार। सबको बराबर का मौका मिलेगा। मरीज के उठते ही दो डंडे तुम मारना और जब जब मरीज सोना चाहे तब तब दो दो डंडे देना। सर सबसे पहले मैं उठता हूँ सर, पहले दो डंडे। मैं पहले दो डंडे मैं मारूंगा। रवीना जी कहीं ना कहीं डॉक्टर। डॉक्टर साहब घबराने वाली बात तो नहीं है ना? इंजेक्शन तो मैंने दे दिया है। हाँ। दवा के साथ दुआ और डंडे की बहुत जरूरत है। डंडे मारना ना भूलिए और जब तक ये पेशेंट ठीक नहीं हो जाए तब तक मैं इसी घर में रहूंगा। वेरी स्मार्ट, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। मैं ऐसे ही हूँ। रॉबर्ट इनको आउट हाउस में ठहरा देना। आउट हाउस नहीं, इसी घर में आपके कमरे के पास। तो ठीक है, मेरे सामने वाला कमरा दे देना। नहीं साइड में कुछ नहीं है। मेरे साइड में है। नहीं सामने चलेगा। ओके थैंक यू। कितने अच्छे हैं ना डॉक्टर। ए डॉक्टर को देख के तू भी बीमार हो गई क्या? नहीं चलो चलो टीलू को डंडे मारने हैं। हाँ, चलो चलो डंडे मारने हैं। ये गुलदस्ता है, गुले पकावली है रॉबर्ट। अरे वाह ब्यूटीफुल है सर। इसमें मैंने टाइम बम फिट कर दिया। आप रख लीजिए। रवीना के बाहर आने का टाइम हो गया है। जिस टाइम ये गुलदस्ता मुस्कुराते हुए उठाएगी ये फिक्स टाइम पे ब्लास्ट होगा और वो उसकी जिंदगी का आखिरी टाइम होगा। तुम्हारा गुलदस्ता रखने का टाइम आ गया है। लेकिन बॉस अगर मैं रखूंगा तो फिर पुलिस मेरे को। डोंट वरी रॉबर्ट, मैंने उस मरीज टीलू का नाम लिख दिया है। टीलू जाएगा अंदर और रवीना जाएगी ऊपर। अरे वाह, मतलब जैसे दो शिकारी एक तीर मारते हैं। शट अप रॉबर्ट, इसे कहते हैं दो तीर से एक शिकार। जाओ, टाइम बॉम्ब में टाइम बहुत कम है। अब आपने ऑन किया? Yes. Oh God, अरे इधर से नहीं, इधर से। रॉबर्ट गाड़ी तैयार है? नहीं, हाँ हाँ है मैम सब है। नहीं सर, सर मैंने टाइम बम को एकदम करेक्ट टाइम पे टेबल पे रख दिया सर। रवीना जी बाहर आ रही है। वेरी गुड टाइमिंग रॉबर्ट। सर गुड टाइमिंग तो है सर, लेकिन गुड टाइम कब आएगा अपना मालूम नहीं। आएगा आएगा, गुड टाइम बहुत जल्द आएगा। ये क्या फूल? रवीना जी के लिए। टीलू तेरी ये हिम्मत, तेरा कुछ नया सोचता हूँ, पहले अपना नाम तो लिख देते। ओए मां कौन रे? क्या हो रहा है डॉक्टर, ये गुलदस्ता किसको दिया जा रहा है? हां और ये पीछे क्या है, क्या छुपा रहे तू यार? हां रवीना जी को, हां एंड टीलू। हां मेरा नाम काट के अपना नाम क्या मतलब है? देख अबर तू मेरे पीछे बताना। टीलू कहीं का? किसको टीलू बुला रहे? दूंगा एक। हाँ क्या हो रहा है यहाँ, क्या बात है टीलू? देखिए ना रवीना जी, आपका टीलू आपके लिए फूल लाया और ये डॉक्टर मुझे डंडे मार के मना कर रहा है। क्यों डॉक्टर? नहीं रवीना जी, फूल मैं लाया था। अरे क्या बात, मैं लाया था, मैं लाया था। नहीं मैं लाया था रवीना जी, मैं लाया था। रवीना जी मैं आ रहा हूँ जल्दी। काउंटिंग शुरू करा रॉबर्ट। इसका मतलब गुड टाइम आ गया। यस 10 9 8। अब तूने देखा, तूने देखा, तूने देखा, तूने देखा। 5 4 3 2 धमाका। ओए मां ओए ला, क्या हो रहा है? तो आपका ये कहना है वो दो पपलू की वजह से गेम नहीं कर सके। अच्छा लगा, मेरा कलेजा ठंडा हो गया। सॉरी सर, गलती से मिस्टेक हो गया। क्या सर, वो दोनों लड़के बहुत चालाक है। कल ब्रेकफास्ट टेबल पे। शट अप रॉबर्ट। तेजा साहब आप बिल्कुल फिकर मत कीजिए, चूहों के खराटे भरने से भला शेर की नींद कभी टूटती है? हमारे नए प्लान के मुताबिक। साला प्लान, साला अपना टाइम ही खराब चल रहा है। बातें तो शेर चीते की करते हैं और खुद की औकात चूहे जैसी भी नहीं है। अब की बार मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, कुछ भी करो लेकिन साले का गेम कर डालो और इस बार मौत की खबर के साथ ही आना। आप कहे तो लाश के साथ आ जाता हूँ,
या उसे यहीं लाके आपके सामने मार देता हूँ। वेरी स्मार्ट सर, हमने वेरी स्मार्टली एक और बात का पता लगा लिया है। हाँ, वो बजाज है ना, अपना लंदन का सारा जायदाद डायमंड में कन्वर्ट करके लिया है। हाँ, 10 दिन में आ जाएगा। हाँ, लड़की के साथ बात करते हुए फोन पर हमने सुना। क्या कहा बास ने? कुछ सुना ही नहीं दिया, लेकिन स्मार्ट बॉय कहा होगा जरूर। रवीना जी, क्या आज मुझे खाना मिलेगा? हाँ टीलू, मिलेगा। सचमुच? सचमुच बाबा। वो डॉक्टर गया? डॉक्टर की तुम छोड़ो, आओ खाना खाओ। है इतना सारा खाना मेरे लिए? चिकन बिरयानी कबाब। अरे संभाल के संभाल के। क्या खाऊं मैं? चिकन खाता अहिला, कौन मरा रे? डू नॉट टच, हाथ नहीं लगाने का। वो सब खाना हमारे लिए। हाँ। और ये खाना तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए करिश्मा, आइटम नंबर 1 काली मिर्च के लड्डू, अदरक का हलवा, करेले का सूप, मिर्ची सलाद। रवीना जी, मुझे लगता है मेरी याददाश्त कुछ कुछ वापस आ रही है। नानी याद आई? नहीं तो फिर इलाज चल रहा है। खा लो ना टीलू, परहेज नहीं करोगे तो ठीक कैसे हो गए हम? अरे दवा समझ कर खा लो, डॉक्टर ने खुद अपने हाथों से बनाया है। डॉक्टर, मैं ये कभी नहीं खाऊंगा, मर जाऊंगा लेकिन नहीं खाऊंगा। अरे ऐसे कैसे मरोगे टीलू, हम तुम्हें इतनी आसानी से मरने थोड़ी देंगे। रवीना जी, आप इन्हें अपने हाथों से खाना खिलाइए, तब तो खाना ही पड़ेगा टीलू, नहीं तो रवीना जी का दिल दुखेगा। खा लो। डॉक्टर, आप बहुत होशियार हैं। रियली रियली किसका खाना लग रहा है रॉबर्ट? जी सब, डॉक्टर साहब के लिए। खास खाना है? हाँ सब, उनके लिए तो अच्छा ही खाना बनाते हैं, वो मक्खन घी वगैरह जरा लगा के। मेरे नसीब में ये सब कहाँ। अरे हाँ, मेरी दवा ऊपर रहेगी, जरा ले आना। जी, अब तो उसी में जिंदा रहना पड़ेगा। ले आता हूँ सर। जा जल्दी जा। अबे साले डॉक्टर, मुझे काली मिर्च के लड्डू और तू पाया कबाब, ये ले घोड़े का जुलाब। अरे इसे खा के अच्छे अच्छे घोड़े डाउन हो जाते हैं, खाने को तरसेगा तू साले। खाना लग गया रॉबर्ट। रॉबर्ट, मक्खन मारेगा नहीं? हाँ, आहा क्या स्वाद है, पाया चिकन कबाब। हाय 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 हाय। कुछ खाना बचा? नहीं, आज कुछ खाना ज्यादा ही टेस्टी था। वेरी गुड रॉबर्ट। रॉबर्ट, रवीना जी किधर है? ऊपर। थैंक यू। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। टन 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 टन। एक्सक्यूज मी रवीना जी। अरे आप आइए ना डॉक्टर साहब। आप मुझे डॉक्टर साहब ना कहिए जी, सिर्फ प्रेम कहिए। ऑरेंजेस खाइए ना। ओह थैंक्स। रवीना जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कहिए। दरअसल बात दिल की है। जी हाँ, मैं आपसे कुछ दिनों से। कहिए। जी जी नहीं, 2 मिनट। एक्सक्यूज मी, आइए ना डॉक्टर साहब। अभी अभी मैंने आपसे कहा मुझे डॉक्टर साहब ना कहे, सिर्फ प्रेम कहिए। ऑरेंजेस लीजिए ना। थैंक यू। आप कुछ कह रहे थे? जी हाँ। जी जी, दरअसल मैं आपसे अपने दिल की बात कह रहा था। मैं
चाहिए ना। जी, मैं कुछ दिनों से दो मिनट। रवीना जी। डॉक्टर साहब। प्रेम प्रेम। ऑरेंजेस। नहीं। आप कुछ कह रहे थे। हाँ, पेट की बात नहीं, दिल की बात। हाँ। दिल की बात। हाँ। वो आपकी तबीयत तो ठीक है ना डॉक्टर साहब? डॉक्टर को बुलाऊं क्या? डॉक्टर डॉक्टर अपने दिल की बात कह रहे थे। दिल की बात? हाँ। बोलना बोलना क्या बात? सब बात मैं कह दूंगा। अरे बोलना। नहीं नहीं नहीं। अरे बोलना, मुझे भी सुनना है कि क्या बात है। देर हो जा रही है। अरे बोल देना प्लीज, वरना बेचारी रवीना जी का दिल टूट जाएगा। अबे टूटने दे। चलना बोलना प्लीज। अबे इलाहाबाद। अरे बोल दे वरना देर हो जाएगी। अबे देर हो गई, अब जाने दे। जा 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 जा। रवीना जी। ऑरेंजेस। थैंक यू थैंक यू। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ फर्स्ट क्लास। मेरी तबीयत तो क्या हो सकता है, फर्स्ट क्लास। सर ये रास्ता ऑटोमेटिक कैसे बंद हो गया? क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा, आंखें निकाल कर गोटियां खेलता हूँ मैं, गोटियां। कहाँ है तुम्हारा बहुत तेजा? मेरा पैसा लेके भाग गया। हमें नहीं मालूम। नहीं मालूम, परसों नहीं मालूम। ट्रेजेडी। उतर नीचे, उतर नीचे। क्यों? आया हूँ कुछ तो लूट कर जाऊंगा। खानदानी चोर हूँ मैं, खानदानी। मोगैम्बो का भतीजा। अरे सर, गोगो के कारनामे कमाल है। गोकोस कौन? कि बेआनंद अकेले। ये आइडिया तेरा ही था ना कि करिश्मा को खुश कर और रवीना के बारे में पता चल जाएगा। हाँ, तुमने बात की? कुछ बताया उसने? क्या बताती है यार वो, जब भी रवीना के बारे में पूछता तो बस घूरने लग जाती है वो। बेटा, करिश्मा तुझे चाहने लगी है और मन ही मन तू भी उसे चाहने लगा है। हाँ वो तो है, लेकिन तुझे कैसे पता चला? पागल हो गया? करिश्मा के साथ शादी करके मुझे बाबरची बनना है क्या? तो टिकट कटाऊं भोपाल की? नहीं नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। ये कहानी इंटरवल के बाद एक नया मोड़ लेगी। रवीना के साथ शादी मेरी होगी, मेरी। डॉक्टर प्रेम खुराना, कहाँ हो तुम? अबे अबे चुप, अबे चुप और चुप, ये ले चद्दर। किससे बातें कर रहे हो? अपने आप से। मेरी दर्द भरी कहानी कौन सुनेगा? मैं सुनूंगी। नहीं, सारा दिन सारी रात बिना पलक झपकाए बस सुनती जाऊंगी सुनती जाऊंगी। वो कहानी फिर कभी बाद में सुना दूंगा, अभी मरीज के लिए दवा। तुम्हें मरीज से इतनी मोहब्बत क्यों है? मोहब्बत? मेरा पास चले तुम उसका गला घोट दो। क्या मतलब? मतलब ये कि दवा घोट कर गले में उतार दूं ताकि वो हमेशा के लिए ठीक हो जाए। ओह आई सी। ये आवाज कैसी है, क्या उबल रहा है? ओह ओह, मेरा दर्द उबल रहा है। दर्द तो वहाँ भी उबल रहा है और यहाँ भी, सभी परेशान है। मगर क्या करे, तुम टीलू को जल्दी ठीक कर दो ताकि कुछ गाना बजाना पार्टी शार्टी हो जाए। वैसे तो मैडम को भी गाना बहुत पसंद है। मैडम को गाना पसंद है? रवीना जी को? तो सुनो। ये रात और ये दूरी, तेरा मिलना है जरूरी। ये रात और ये दूरी, तेरा मिलना है जरूरी। के दिल मेरा धक धक डोले, दीवाना लिए जाए हिचकोले। के दिल मेरा धक धक डोले, दीवाना लिए जाए हिचकोले। ये रात और ये दूरी, तेरा मिलना है जरूरी। ये रात और ये दूरी, तेरा मिलना है जरूरी। के दिल मेरा धक धक डोले, दीवाना लिए जाए हिचकोले। दिल मेरा धक धक डोले, दीवाना लिए जाए हिचकोले। ये रात और ये दूरी। हाँ
हसरत में काटी काटी है कितनी रात कहना चाहूं तुमसे मैं कितनी बातें इस हसरत में काटी है कितनी रातें तू छत पर आ भी जा झलक दिखला भी जा तू छत पर आ भी जा झलक दिखला जहर है रॉबर्ट पीने वाले किसी भी चीज में दो बूंद मिला दो पीने वाला नीला होके पीला हो जाता है उसके बाद क्या होता है सर उसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाता है किफायती और भरोसेमंद और ये तेज असर भी होगा यस महिला ये तो आदमी का नहीं जानवर का लगता है हाँ भैंस का है भैंस का रविंद्र जी जरा से कस के पकड़िए नहीं 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 मुझे नहीं लेना है मुझे देना है अरे नहीं नहीं याद रहे ये जहर वाला ग्लास रवीना जी के लिए उसी को दूंगा सर स्मार्ट बॉय थैंक यू मुझे नहीं लेना अरे अरे टीलू बी अ गुड बॉय ले लो इंजेक्शन तुम्हारी भलाई के लिए हाँ ले लो हाँ रवीना जी प्लीज एक दफा और कीजिए हाँ मेरे गाल चलाइए हाँ कौन आ रही है मेरी याददाश्त वापस आ रही है याददाश्त एक दफा और चलाइए हाँ 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 हो गई रविना जी मेरी याददाश्त वापस आ गई हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है रविना जी आपका लाख लाख शुक्र है जी चाहता है आपको
I'm sorry. वो क्या है कि मैं अपनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ. मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. आप समझ रही है ना, आप समझ रही है ना, हाँ आप समझ रही है. हाँ आइला रवीना जी, I'm sorry. मुझसे गलती हो गई. चमत्कार हो गया. रवीना जी, इसी खुशी में आप मेरी तरफ से सारे नौकरों को बख्शिश दीजिए. हाँ। इनको मिठाई बांटिए. हाँ। इनको एक दिन की छुट्टी दीजिए. हाँ। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है. तुम्हारे यहाँ? जी हाँ, हम भैरवगढ़ के ठाकुर विक्रम सिंह के बेटे अमर सिंह हैं. मेरे सिर्फ दो ही शौक है, शिकार करना और हाँ। फुटबॉल खेलना. हाँ, चैंपियन था मैं फुटबॉल का. अच्छा? मोहन बगान की टीम में खेलता था मैं. रवीना जी, पागलपन का दौरा बढ़ते जा रहा है, मुझे देना है. डॉक्टर के बच्चे, तू अपनी बख्शिश ले और चलता बन चल. अरे मैडम, ये तो सचमुच पागल हो गया है. बदतमीज लड़की, एक तो नौकरानी होकर सोफे पर चढ़ती हो और ऊपर से मुझे पागल बोलती हो, शर्म नहीं आती? और नहीं तो क्या, अगर तुम्हारी याददाश्त वापस लौट आती तो पहले डॉक्टर को पता चलता. क्यों डॉक्टर? राइट, पहले मरीज को पता लग जाता कि वो ठीक हो गया कि नहीं. डू यू अंडरस्टैंड? मैडम आप समझने की कोशिश. अरे अरे, जब से डॉक्टर आ गया तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए. तेवर नहीं बदल गए हैं क्या? इलाज इनका हो रहा है या तुम्हारा? इनके साथ रह रहकर आप भी मरीज बन गए. मे आई हैव योर काइंड अटेंशन प्लीज. रिलैक्स प्लीज, रिलैक्स. तशरीफ रखिए. आज रॉबर्ट का जन्मदिन है और इस खुशी के मौके पे उसने एक खास शरबत बनाया है जिसे शरबत जन्नत कहते हैं. रॉबर्ट, शरबत पेश किया जाए. लेकिन सर आपने बताया नहीं आज मेरा बर्थडे है. हैप्पी बर्थडे रॉबर्ट. थैंक यू. कम ऑन. हैप्पी बर्थडे. थैंक यू. हैप्पी बर्थडे रॉबर्ट. ये लीजिए ना. थैंक यू रॉबर्ट. सर लीजिए ना. आहा, हैप्पी बर्थडे रॉबर्ट. हैप्पी बर्थडे. जियो जियो. चीयर्स चीयर्स एवरीबॉडी. रॉबर्ट की बर्थडे और मेरी याददाश्त वापस आने की खुशी में सबको चीयर्स. अबे काय का चीयर्स, तू बोले तेरी याददाश्त वापस आ गई तो हम लोग मान लेंगे. अबे सबूत क्या तेरे पास? सबूत मांगता है इडियट? अरे सब याद आ गया मुझे. चैंपियन था मैं फुटबॉल का. चैंपियन रवीना जी, चैंपियन. अरे 1988 का वो ऐतिहासिक मैच भी याद है मुझे जब मैंने मोहन बगान के लिए लगातार 6 गोल मारे थे. 6. ये देखिए, मैं दिखाता हूँ. मैं यहाँ पर खड़ा था और यहाँ पर दूसरी टीम का विकेट कीपर नहीं, गोल कीपर. बेवकूफ, गोल कीपर. ये फुटबॉल है, फुटबॉल. चलिए आप लोग अपने ग्लास लाइए. ग्लास लाइए. सर हमारा ग्लास क्यों? अरे लाओ भाई. लीजिए. अजीब नौकर है इस घर में. चलो लाओ ग्लास. सोफे पे चढ़ती है बदतमीज. रवीना जी, आपका ग्लास भी प्लीज. अरे रवीना जी को तो पीने दो ना. लो तुम लो. नहीं नहीं, हमको नहीं चाहिए. नहीं नहीं, लो तुम्हारी बर्थडे, तुम लो. नहीं नहीं, आप पी लो, खेलो फिर. हाँ, तो मैं बॉल लेकर यहाँ से निकला. सब लोगों ने मुझे घेरने की कोशिश की. मैं कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी वहाँ तो कभी यहाँ, कभी दाएं तो कभी बाएं. सबको बेवकूफ बनाता रहा मैं. बाकी सब इधर उधर भाग रहे, इधर उधर, सबको नचाते हुए. ये जाके ये उसके बाद फिर यूं जाके यूं जाके मैं गोलकीपर के पास पहुंच गया. फिर गोलकीपर को थोड़ा नचाया. फिर ये और ये गोल. मिल गया सबूत, आ गया यकीन. हाँ आ गया. ये लीजिए अपना ग्लास. ये लीजिए अपना अपना. ये लीजिए. नहीं नहीं, अरे अजीब नौकर है, पहले दे नहीं रहे थे अब ले नहीं रहे. चलो लो. रवीना जी प्लीज. Cheers. Cheers. Cheers everybody. Cheers. 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 Ah. Very good Robert. Very good. अच्छा है. वेरी गुड रॉबर्ट, वेरी गुड. अरे आप लोग पी क्यों नहीं रहे? पीजे बहुत अच्छा है. अरे हैं, क्या कर रहे हैं? चलिए पीजे. नहीं मैडम, क्या है, आज मेरा बर्थडे है ना, मैं लास्ट पिएगा. रवीना जी. हा? ये तो आपकी तोहिन कर रहे हैं. रॉबर्ट, हैप्पी बर्थडे रॉबर्ट. भला ये क्या हो रहा है? मैं पीता हूँ मैडम. पियो. थैंक यू सर. अभी आप पियो. रवीना जी, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है. भला पियो ना. अरे पियो 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 पियो. हाँ, अबे अंदर ले. अबे ले, अबे ले अंदर. अबे ले, अबे लेता ही लगाओ सर पे. अबे लेता नहीं तो लगा बम पे. मुझे पहले से ही लग रहा था कि ऐसा ही गड़बड़ होगा. ऐसा ही चलता रहा
तो एक न एक दिन हमारा ही गेम हो जाएगा। कलेजा ठंडा हो गया मेरा। सॉरी सर, गलती से मिस्टेक हो गया। क्या वो जो दो नंबर का लड़का? शट अप रॉबर्ट। तेजा साहब, आप बिल्कुल फिकर मत कीजिए। शेर के इलाके में आ जाने के बाद शिकार कब तक मौत से बचता रहेगा? मेरे नए प्लान के मुताबिक। ये कैसे आदमी तूने पाल रखे हैं तेजा? साले दस दस हजार का सूट पहनते हैं और अकल दस पैसे की भी नहीं है। अगर ज्यादा दिन इनके साथ रहा ना तो कोई तेरा ही पत्ता बिछा देगा। तेरे को ही कुछ करना पड़ेगा। तू ही कुछ कर तेजा, अपने पैरों पे खड़ा हो जा तेजा, हो जा। तुम लोगों से कुछ नहीं होगा। लगता है मुझे अब तुम लोगों के ही पत्ते बिछाने पड़ेंगे। हर साल की तरह कल मायावी टीले पर मेला लग रहा है। ये दोनों लड़कियां भी उसी मेले में जाएंगी। वहीं पर उन दोनों को मार दिया जाएगा। अच्छा है, अच्छा है, लेकिन इस बार टीले पर मैं भी चलूंगा। आगे के पत्ते अब मैं ही पिसूंगा। लेकिन वो दो पपलू, वो दो पपलू टपलू का क्या करना है? वेरी सिंपल, उन दोनों की भी मौत मेरी हाथों लिखी है। प्लान के मुताबिक। रवीना जी जल्दी चलिए ना, अरे टीले पर पहुंचने का टाइम होता है, तभी मनोकामना पूरी होती है। अरे आप ये पीछे मुड़ मुड़ के क्या देख रही हैं? वो अमर। जी जी जी, ऐसे शुभ मौके पर ऐसे अशुभ आदमी का नाम नहीं लेते। चाचा जी चलो। क्यों मुन्ना, अपनी बहन को कहाँ ले जा रहे हो मुन्ना? बहन अंधा है क्या? बहन बोलता है। चलो भाई उठी ले। चलो चलो चलो, आ जा बैठ जा बैठ जा, आ जा मुन्नी, आ जा मेरे हाथ ले लो। दे दो दे दो, बुढ़ा है बुढ़ा। आज आ जा आ जा आ जा। क्या बात है बेटी, तुम्हारे चेहरे का नूर क्यों गायब है? लगता है किसी और के साथ जाना था और जा किसी और के साथ रही है। या खुदा, तेरा भी क्या दस्तूर, लंगूर के मुंह में अंगूर। रवीना जी को लंगूर बोला? नहीं मुन्ना, मैंने तो मुन्नी को अंगूर बोला। अच्छा अंगूर बोला, अंगूर स्वीट स्वीट। अब मुन्नी जरा खिसक के बैठो, खिसक के बैठो। हाथ नहीं लगाना, चलो भाई उठी ले बुड्ढा खुसट। मुन्ना अपने अब्बा को क्यों याद कर रहे हो? चलो 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 चलो, हम चलेंगे हम चलेंगे, हम सबके सामने से लेके चलेंगे। चलो 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 चलो। अरे मुन्नी के हाथ से फूल गिर गया। मुन्ना जरा उतर के उठा तो लो। चलो चलो, बहुत देर हो रही है हम लोग को, मैं और दूसरा ला दूंगा आपके लिए। ला हाल वेला कुवत, हमारी अगर आठवीं बीबी का भी फूल कुतुब मीनार से गिरा होता तो हम छलांग लगा देते। और आजकल के नौजवान, ला हाल वेला कुवत। चलो मैं उठा लेता हूँ। अरे बैठ, तू क्या उतरेगा चढ़ेगा क्या? चलो चलो चलो। अरे 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 अरे। हेलो 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 हेलो, जिस दिन हम आ गए आज फिर दिल लेके। हेलो जिस दिन हम आ गए आज फिर दिल लेके, अब इतना भी गुस्सा कर नहीं जाने। ये खोया खोया मौसम पवन दीवानी, अब इतना भी गुस्सा करो नहीं जानी। ये खोया खोया मौसम पवन दीवानी, हो कहीं उड़ा ले न यारा तुझे दिलदारा तुझे। हेलो 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 जी सनम हम आ गए आज फिर दिल लेके।
लबों पे मुस्कान, छब है गजब की मैं तेरे कुर्बान, मैं तेरे कुर्बान, बल्ले बल्ले मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मथे पे तो बल है लबों पे मुस्कान, छब है गजब की मैं तेरे कुर्बान, माथे पे तो बल है लबों पे मुस्कान, छब है गजब की मैं तेरे कुर्बान, हाय मर जाऊंगा जिन नहीं पाऊंगा, अच्छा वो वो तो मैं हूं ये साले पपलू पपली इधर है, ये लोग कहां हैं? सर सर कितने तुम लोग इधर हैं? सॉरी सर, गलती से नींद आ गया सर। वो गन किधर है? बंदूक गन है ना, है मेरे पास, ये लीजिए। ये क्या है? ये वास्को डी गामा की गन है। किसके मामा की गन है? ये वास्को डी गामा की गन है, इससे निशाना लगाने की कोई जरूरत नहीं, नाम लेके फायर कीजिए, ठीक निशाने पे लगता है। यार मेरे को मार डालेंगे। सर एक मिनट, मैं देखता हूँ क्या हो गया। ये क्या हुआ? क्या हो गया? वास्को डी गामा, इसी का नाम जिंदगी है दोस्त। हार जीत पाना खोना
ये सब तो चलता ही रहता है। अब मैंने तुझे कितना समझाया कि भोपाल वापस लौट जा, यहाँ तेरी दाल नहीं गलने वाली। जरा सोच, तू कहाँ और रवीना कहाँ? अरे ऐसी अमीरजादी के साथ शादी करने के लिए तो सूरत और किस्मत दोनों की जरूरत पड़ती है, और तेरे पास दोनों की कमी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि जब दिल टूटता है तो उसका असर सीधा दिमाग पर होता है, इसलिए मैं तेरे लिए ये लाया हूं, गम का साथी रम। आज रात गम गलत करने के लिए इसे पी लेना, लेकिन इसकी आदत मत लगाना, इससे लिवर खराब हो जाता है। ला 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 ला। अमर, मुझे तुमसे बात जरूरी बात करनी है। ऊपर ऊपर, मेरे पास वक्त नहीं, जाओ प्रेम से बात करो। देखो अमर, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। देखो मैं नौकरों से बात नहीं करता। टाटा। ला 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 ला। देखो प्रेम, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ, मगर उससे हमारे रिश्ते में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। रिश्ता? कैसा रिश्ता भाई, अजीब गले पड़ो लड़की हो तुम। देखो जो तुम समझ रहे हो ना, वो मैं नहीं हूँ। मतलब? मैं करिश्मा नहीं हूँ। तो क्या फर्क पड़ता है, तुम करिश्मा नहीं तो जमीला, शकीला, सुनीता, अनीता, पपीता, जो कोई भी हो, मेरी लुटिया तो डूबी गई ना। देखो वो जो रवीना है ना, वो रवीना नहीं है, वो जो है वो मैं हूँ, और मैं जो हूँ वो है। तुम जो हो वो तुम नहीं हो, वो है, वो जो है वो नहीं है, वो तुम हो। तुम जो हो वो तुम नहीं हो, वो जो है वो नहीं है। ओह, मैं जो हूँ मैं हूँ, या मैं भी वो नहीं हूँ जो मैं हूँ, मैं कौन हूँ? बुद्धू, राम गोपाल बजाज की बेटी मैं हूँ, रवीना बजाज, और वो हमारे अकाउंटेंट हरिशंकर की बेटी करिश्मा है। क्या? हाँ, हमने आपस में नाम बदल लिए थे। मैं चाहती थी कि कोई लड़का मेरी दौलत से नहीं, मुझसे प्यार करे, और वो प्यार मैंने तुम्हारी आंखों में देख लिया है प्रेम। सच? सच? इंडिया मुझे कभी पसंद ही नहीं था। मेरे यार दोस्त भी मुझसे यही कहते थे, अमर तू इंडिया के लिए बना ही नहीं है, तुझे तो कहीं और होना चाहिए था। वो तो अच्छा हुआ कि तुम बाहर से आई और तुमने एक जौहरी की तरह हीरे को परख लिया, वरना यहाँ के लोग तो बस इंडिया जैसे हैं, आज तक मुझको पहचाना ही नहीं। देखो अमर, मैं इतनी देर से तुझे ये कहना चाह रही हूँ कि मैं तुम कहना चाह रही हो कि शादी के बाद हमें लंदन में रहना पड़ेगा। अब वो तो रहना ही पड़ेगा, तुम्हारे डैडी जो इतना बड़ा कारोबार मेरे कंधों पर सौंपेंगे, तो उसके लिए तो लंदन में रहना पड़ेगा मुझे। अमर, तुम अपनी खुशियां सब में बांटना चाहती हो। अपनी भी कुछ ऐसी ही आदत है। एक मिनट। लेडीज एंड जेंटलमैन, योर अटेंशन प्लीज। आज की शाम हमारे नाम, मेरा मतलब है आज का शैंपेन और डिनर आप सबके लिए हमारी तरफ। अमर, तालियां। अमर, अमर मेरी बात तो सुनो। थैंक यू, थैंक यू। बेटा, ये कैसे होगा ये सब? तुमने देखा कि मैं कैसे तुम्हारी दिल की बात समझ लेता हूँ? बेचारा लगता है सारी पी गया। होता है जब दिल टूटता है तो उसका असर सीधा दिमाग पर होता है। अब क्या करें, समझाया था उसको, बहुत समझाया था कि लौट जा भोपाल, लौट जा, यहां तेरा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन नहीं माना। अमर देखो, कुछ कुछ नहीं हो सकता, बहुत देर हो गई, अब तो बेचारे की जवानी पागल खाने में कटेगी। अमर तुम कुछ समझते क्यों नहीं? तो समझाओ ना रवीना। मैं रवीना नहीं करिश्मा हूँ, वो रवीना है रवीना बजाज, राम गोपाल बजाज की इकलौती बेटी, और मैं उनकी मुनीम हरिशंकर की बेटी हूँ। ये सब मैंने रवीना के कहने पे किया था। प्रेम, प्रेम पागल नहीं है, वो खुशी के मारे नाच रहा है। अमर, रवीना ने शायद उसे सब सच बता दिया होगा, जो तुम्हें चाहिए था
वो प्रेम को मिल गया है। मेरे पास कोई दौलत नहीं है अमर, मेरे पास कुछ नहीं है। रास्ते से है, वरना रोड पर गोगो अपन को पकड़ लेता था। मेरा आइडिया कैसा क्राइम मास्टर गोगो, कहाँ तुम्हारा बहुत तेजा? हमें नहीं मालूम। अरे काय को तेजा का नाम से हमको डराता है बार बार? नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, आंखें निकाल के गोटियां खेलवा, मुझे मेरा पैसा चाहिए। आपका पैसा मिल जाएगा। अरे तेजा का भाई लंदन से हीरे लेकर आ रहा है, हम हीरे बेच देंगे और आपका पैसा दे देंगे। मुझे पैसा नहीं चाहिए। अच्छा वो। मुझे हीरे चाहिए, हीरे। लंबू उतर 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 उतर। आया हूँ कुछ तो लूट कर जाऊंगा। खानदानी चोर हूँ मैं, खानदानी, मगा मगा भतीजा। गो 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 गो, खुश हुआ सर। लास्ट टाइम स्कूटर लेके गया, ये टाइम को साइकिल ले गया सर। ये नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो अपना तो सर, देखा गोगो के कारनामे देखा सर। स्मार्ट बॉय, स्टॉप देख लिया, चाय की दुकान देख ली। अरे अरे अरे, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुझे। क्यों, क्या हुआ? अरे हुआ नहीं, होने वाला है, रोते रोते गई है वो। कौन? रवीना। कौन रवीना? मतलब वो रवीना जो पहले करिश्मा थी अब रवीना है, या जो पहले रवीना थी अब करिश्मा? मतलब वो जो नौकरानी बनकर आई थी वो रवीना, या जो अपना मालकिन बनकर आई थी वो रवीना? अरे नहीं नहीं, तेरी वाली रवीना। क्या हुआ उसको? कुछ नहीं, रोते रोते गई है वो, कह रही थी खुदकुशी कर लेगी। क्या बात कर रहा है? राधिका कहाँ गई वो? वहाँ। रवीना, रवीना, करिश्मा। करिश्मा, ओ गॉड, ओ नो। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ? अरे जान निकल गई मेरी, ये क्या मतलब है इसका? हाँ, क्या मतलब है? ये क्या लिखा तुमने? तो कौन सा झूठ लिखा है मैंने? मरने तो आई थी, यहाँ के देखा तो बहुत ऊंचा है, थोड़ा नीचे से जाके कूदूंगी, दर्द कम होगा। क्या बकवास कर रही हो? हाँ, तुम्हें भला मेरी जिंदगी से क्या लेना देना? कौन सा सच्चा प्यार किया है तुमने मुझसे? देखो रवीना, करिश्मा, यहाँ देखो, मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें लगता है कि मेरा प्यार झूठा है? देखो, मैं मानता हूं कि मैं आया था नाटक करने, लेकिन तुमसे प्यार करने लगा। तुम जो भी हो, जैसी भी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे दोस्त ने मेरी सहेली का दिल दुखाया है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं, उई माँ, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन करिश्मा, करिश्मा नहीं रवीना। हाँ, देखो रवीना, मेरा दोस्त बातें बहुत करता है लेकिन दिल का बड़ा अच्छा है, वो तुम्हारी सहेली को कभी दुख नहीं देगा। और वो बेचारी जो जान देने गई है उसका क्या होगा? उसका कुछ नहीं। क्या? उई माँ, देखो, अमर उस बला का नाम है जो यमराज को भी टोपी बनाकर उसे यहाँ ले आएगा। दोनों आते होंगे हंसते हंसते। हाय, हाय, कहाँ चले गए थे यार? अरे यार, खुदकुशी करने गई थी, ऊपर से। ऊपर से? अब थोड़ा कम ऊंचाई से पकड़ के लाया। अच्छा, देखा करिश्मा, मैं क्या बोल रहा था? क्या बोल रहे थे तुम? अरे यार, सुबह से ही कंफ्यूजन। हाँ यार, बहुत कंफ्यूजन। देखो रवीना, मैं तुम्हें, देखा, ओफो, ये तो उलझन पे उलझन है। देखो, तुम लोगों के नाम जो भी है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हाँ, हम लोग जिस नाम से तुमको जानते थे, तुम्हारे नाम आज से वही रहेंगे। तुम हमारे लिए रवीना हो और तुम करिश्मा। यारी, आप एक बार हमारा प्रेम से मिल तो लीजिए, हमने उन्हें अच्छी तरह परख लिया है, वो लाखों में एक है। वो सिर्फ हैंडसम ही नहीं, काबिल और समझदार भी है। स्टॉप, 8 बज गए, मेरा अखबार कहाँ है? नॉनसेंस, सब चीज टाइम टू टाइम होनी चाहिए। स्टार्ट। दादी, प्रेम बहुत अच्छा आदमी है और अमर दिल का सच्चा आदमी है। दोनों कमाल के हैं, अकल से, शक्ल से, दिल से, दिमाग से, आवाज से, अंदाज से। स्टॉप, मेरी चाय कहाँ है? नॉनसेंस, सब चीज टाइम टू टाइम होनी चाहिए। स्टार्ट। दादी, अंकल, अमर एक बार अमर प्रेम से तो। स्टॉप, जब से मैं आया हूँ अमर प्रेम, अमर प्रेम, अमर प्रेम के बारे में सुन रहा हूँ, मेरे बारे में कोई पूछता ही नहीं।
कल शाम 7 बजे बुला लेना। नाउ गो, टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। ओके, थैंक यू अंकल। सर, शक्कर डालने का टाइम हो गया सर। नॉनसेंस, जो मैं कह रही हूँ ठीक से सुनो, वरना ऊपर जाके सब गड़बड़ कर दोगे। अंकल बहुत कम बोलते हैं और सुनते भी कम है। हाँ। क्या ऊंचा सुनते हैं? अरे बाबा, ज्यादा बकबक मत करना। और सुनो, डर के चुप्पी मत रहना प्लीज। इसमें डरने की क्या बात? अरे भाई, जवान दिलों का मामला है, आपस में प्यार है, शादी का इरादा है। हाँ कहेंगे तो घर में करेंगे शादी, ना कहेंगे तो मंदिर में। क्यों भाई? हाँ, मैं भी यही बोलने वाला था। रियली बेबी, वेयर्स द रूम? कम इन। हाथ नीचे। पूरे 3 मिनट लेट हो। 3 मिनट का क्या वैल्यू होता है जानते हो? 3 मिनट में करोड़ों के डील फाइनल होते हैं। शट अप, मैंने तुम्हारे लिए 6 मिनट रखे थे। 3 मिनट तुम्हारे बोलने के, 3 मिनट मेरे बोलने के। तुम अपने 3 मिनट गंवा चुके हो। अब सिर्फ सुनो। शट अप, स्टार्ट। अमर और प्रेम, अमर प्रेम, पवित्र और भक्ति रस से भरपूर। नाम सुनकर ही मुझे अंदाज आ गया था कि तुम फिल्मी और आवारा किस्म के लड़के हो। बट नाउ तुम तो निकम्मे और निठल्ले भी हो। एंड वेल, शक्ल से तो जाहिल और मूर्ख दिखते ही हो। एंड ऑफ कोर्स, अपने आप को अव्वल दर्जे के बेवकूफ साबित कर चुके जब ये सोचकर आए थे कि मैं अपनी बेटियों की शादी के लिए तुम्हें हाँ कह दूंगा। मेरे 3 मिनट अब तक पूरे नहीं हुए। मेरी बेटिया को मैंने बड़े प्यार से पाला है, लेकिन मुझे लगता है कि उनके दिमाग का जल्दी से इलाज करना होगा, क्योंकि तुम जैसे खच्चरों को पसंद किया है। उंगली मुंह से और तुम कमरे से बाहर। क्या हुआ? होना क्या था? रोक जाने लगे? लंबा चौड़ा भाषण, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। मैंने भी कहते उनसे कि आप जैसे भी होंगे, उसे हमें क्या। अजी देखना आपको चाहिए कि हम कैसे हैं। चुप, बिल्कुल चुप। उनको लगा कि लड़के की बात में दम है। हाँ, जो मैंने बोला था वो भी बोल दे। मुझे देख के ऐसे भी जोश आ गया। अच्छा? क्या कहा तूने? बोलना क्या था? चुप करा दिया उनका। एक एक सवाल, मेरे दो दो जवाब। एक एक सवाल, दो दो जवाब। सवाल एक, जवाब दो। सवाल जवाब, सवाल जवाब, सवाल जवाब। चुप, लंबी खामोशी। देखो, मेरे ख्याल में तुम लोग ऐसा कुछ करो कि कम से कम उसकी नजरों में लायक बनो। जैसे 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 मान लो कि राम गोपाल बजाज किसी मुसीबत में फंस जाता है और तुम लोग आके उसे छुड़ा लेते हो। वो साला खुद ही एक मुसीबत है। वो क्या मुसीबत में फंसेगा? साला हिटलर। आइडिया, मान लो कि वो बुड्ढा किडनैप हो जाता है और तुम दोनों अपनी जान पर खेलकर उसको बचा लाते हो। तुम दोनों हो गए ना हीरो। शादी करने का प्लान बता रहे, शहीद होने का प्लान बता रहे तू। हाँ, ये तो साला बात जान पे ला रहा है यार। हम लोग जान पे नहीं खेल सकते। क्या किडनैप? किडनैप कौन करेगा? किडनैप हम करेंगे। हम करेंगे किडनैप। हम लोग बदले में 5 लाख रुपए मांगेंगे, तुम लोग आके छुड़ा लेना। बस हो गया काम। वेरी सिंपल। अरे आइडिया, शादी मुबारक हो यार। सर वो एक नंबर का टाइम पीस आदमी है सर। 7 सेकंड में ये, 12 सेकंड में ये, 15 सेकंड के बाद ये। मैं बोलू सर, राम गोपाल के बदले उसका नाम HMT रखना चाहिए। रॉबर्ट, आप क्या कर रहे थे सर? तो तुम हो तेजा के आदमी लोग। मैंने सर, ये होएगा सर, मेरे को कुछ नहीं मालूम, ये मेरे को इधर ले आए। शट अप, एक तो उसके साथ काम करते हो और ऊपर से झूठ बोलते हो। कौन हम लोग सर? सर वो एक नंबर का नालायक पाजी और एकदम हल्का आदमी है सर। मैं बताता हूं, फ्रॉड एंड अ चीट। मैं बोलूं सर, आप मेरे साथ अभी अभी पुलिस स्टेशन चलिए, उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करा के अभी अभी उसको अंदर करा दे। मैं तेरा गेम कर डालूंगा। साले मेरे पीछे मेरा ही मुट्ठा बिछा रहे हो। तेजा साहब, मैं तो पहले से ही जानता था। सर, आपने क्या ब्यूटीफुल गेटअप किया है सर। मैंने सॉलिड स्टाइल पकड़ा है उसका। अपुन ने धोखा खा गया तो दुनिया का क्या होगा। अभी देख रहा है वो सफेद रामू के घर में कैसे घुसना है। वेरी सिंपल, उसका भी प्लान हम बनाएंगे। बुढ़ा ठीक 6 बजे उठता है, उठते ही दौड़ता भी है ब्लडी होल्ड में। लेडीज हॉस्टल के सामने ही दौड़ते रहता है। ब्लडी थर्की फेलो सर। ठीक 7 बजे वो पेपर पढ़ता है। ठीक 7:30 बजे वो नहाता भी है ब्लडी डर्टी में। उसके बाद गार्डन में बैठ के पूरे 9:30 मिनट पेपर पढ़ता है। ठीक 9 बजे वो गोल्फ क्लब पहुंचता है। आता कुछ नहीं है, लेकिन 9:30 बजे तो गोल्फ भी खेलता है ब्लडी जोकर। उसके बाद 13 मिनट पूरे गोल्फ कोर्स पर अकेले में वो टहलता है। उसी वक्त अकेले में Thank you.
नींबू पानी। सर, सर, अमर अभी तक हिटलर किडनैप हो चुका होगा और अभी तो फोन भी आता होगा। अबे तू अंदर जाके ज्यादा चपड़ चपड़ मत करना, पूरा गेम बिगड़ जाएगा। चुपचाप मेरे साइड में खड़े रहना। लेकिन मैं तो तेरी मदद करूंगा यार। तू शादी करना चाहता है तो प्लीज मेरी मदद मत करना। हाय गर्ल्स। हाय। हा हा, कितनी खूबसूरत लग रही हैं आप दोनों। डैडी घर पे? क्या बात है, इतनी खामोशी क्यों छाई हुई है? डैडी ने आज फिर डांट दिया क्या? डैडी का कहीं कुछ पता नहीं और अब तक घर भी नहीं लौटे। कहीं किडनैप विडनैप तो नहीं हो गए? कुछ भी बोलते रहता है। आ जाएंगे, आ जाएंगे। मेरा तो मन बहुत घबरा रहा है, अभी तक फोन भी नहीं आया है। फोन तो आना ही है, फोन तो आ जाएगा। हेलो। क्या 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 अंकल किडनैप हो गए हैं, 50 लाख मांगे हैं। 50 लाख? हाँ। इधर लाओ, इधर लाओ। 50 लाख की मांगे पूछ। हेलो, कट गया, कट गया। तुम लोग बिल्कुल मत घबराना, तुम्हारे डैडी हमारे डैडी, हम अपनी जान पे खेल कर उनको वापस लाएंगे। हाँ, यू गए और यू आए, मेरा मतलब बहुत मुश्किल से लेके आएंगे। तू रोना नहीं है, चल और तुम भी चल 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 चल। हाँ चल, प्लानिंग कामयाब, लड़कियां भी खुश, अंकल भी खुश, शादी मुबारक। अच्छा, अरे सुन 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 सुन, क्या हुआ? अंकल कुछ किडनैप विडनैप नहीं हुए हैं, ये सब अमर और प्रेम की बदमाशी है। तुम्हें कैसे पता? मैंने उनकी सारी बातें सुन ली, ये सब अंकल को खुश करने का प्लान था। कैसे? देख, पहले वो अंकल को किडनैप करवाएंगे। हाँ? फिर अंकल को छुड़ाएंगे। हाँ? अंकल की आंखों में वो तो हीरो बन गए ना। हाँ? फिर देखो कितना परेशान कर दिया हम दोनों को, अब हम भी उन्हें सबक सिखाएंगे। राइडो। हाँ। कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। सच सच बताइए शिवराम जी, इस धंधे में आप कब से हैं? हाँ, कब से? आखिर हुआ क्या? 5 लाख मांगने के लिए कहा था, 50 लाख क्यों मांग लिया? नहीं नहीं नहीं। अरे रोई मत, रोई मत। मांग लिया तो मांग लिया, अरे देना किसको है? देखो 50 लाख रुपए हमने नहीं, उसने मांगे। उसने किसने? उसने किसने? अरे उसी ने जिसने राम गोपाल बजाज का अपहरण किया था। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? देखो मैं समझाता हूँ, प्लान के मुताबिक सब कुछ ठीक चल रहा था। आ? हमने शिकार पर जाल भी डाल दिया। आ? था क्या अचानक धनादन हमारे सर पर जोर से वार हुआ, जमीन फटने लगी, आसमान टूट पड़ा और हमारी आंखों के आगे। अरे बंद करो ये रेडियो प्रोग्राम। यार प्रेम, मामला तो सीरियस हो गया। हा? लगता है इसमें किसी बड़ी गैंग का हाथ है। गैंग? हाय बॉयज, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं आप लोग आज। अंकल घर पे आ गए क्या? आ जाएंगे, आ जाएंगे। हाँ। देखो अंकल को किसी बड़ी गैंग ने किडनैप कर लिया है। हाँ भाई, जानते हैं, जानते हैं, जानते हैं। 50 लाख मांगा है, दे देंगे। अरे ठीक ही तो है ना यार, अब इन लोग का अंकल है, इन लोग को कोई टेंशन नहीं तो अपने को काय का टेंशन। बैठ, खाना टेबल पे लगा है, एप्पल अच्छे खा। देखो तुम लोग समझ नहीं रहे हो, गैंग इतनी बड़ी है और रकम इतनी छोटी मांगी है, सिर्फ 50 लाख। शर्म आनी चाहिए। 50 लाख? वो तो फिर भी बहुत ज्यादा है, हम लोग तो सिर्फ 5 लाख मांगने वाले थे और ये कह रहा था कि वो भी ज्यादा है। शर्म आनी चाहिए। फोन। हेलो हेलो हेलो, पैसे का इंतजाम हो गया कि नहीं? तुम्हारे बॉस लोग यही बैठे हुए हैं, उन्हीं से बात कीजिए। मेरा बॉस कौन है? मेरा बॉस, मेरा बॉस कौन है? हेलो, मैं अमर बोल रहा हूँ। अबे घोंचू, तू रवीना को फोन दे, तुमसे बात करना चाह रहा है। मुझे नहीं बात करनी। हेलो, क्या बात है बोलिए। अबे गधे, तू रवीना को फोन दे ना। रवीना तुमसे बात करना चाह रहा है। तुम्हारा आदमी है, तुम बात करो। मैं क्या बात करूं? देखिए ये लोग फोन पे नहीं आ रहे हैं, आपको जो बोलना है मुझसे बोलिए। अबे गधे, उल्लू, बाजी, कुत्ते, चूहे, बंदर। अबे गधे, तू तेरा बाप साले, बात सुन ली तेरी, जो बोलना है बोलने तो फोन रख रहा हूँ। सुन 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 सुन, देख राम गोपाल बजाज हमारे कब्जे में है, अगर उसको जिंदा चाहते हो तो पूरे 50 लाख लेकर पुरानी टेकरी वाले गंगा मंदिर पे आ जाना, समझा? और जरा भी चलाकी करने की कोशिश की ना तो राम गोपाल का राम राम हो जाएगा, समझा तू? हाँ हाँ ठीक है। कमाल करते हो यार तुम लोग, तुम्हारे डैडी किडनैप हो गए और तुम लोग फोन पे नहीं आ रहे हो।
चुप करो, बहुत हो गया। देखो मजाक की भी हद होती है, तुम जाओ मेरे डैडी को लेकर आओ। अबे देखो, तुम्हारे डैडी को हमने किडनैप नहीं किया। और जो मैंने सुना वो क्या, वो बंगले के नीचे बड़े खीखी क्या क्या हो रहे थे, बड़े प्लान्स बन रहे थे। हाँ? बोलो, बोलो, हाँ, हाँ। वो तुम लोग को प्रेम समझाएगा। प्रेम इधर आ और इनको समझा। हाँ अबे जल्दी आ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही हुआ। इसका मतलब है कि किडनैप तो हमारे आदमी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किडनैप इन लोगों ने किया। क्या डैडी सचमुच किडनैप? जी देखिए, इसमें गलती हमारी है और हम लोग अपनी जान पे खेलकर उनको बचाने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे डैडी? नहीं हमारे डैडी नहीं, हमारे डैडी गांव में। चल यार तुम चाहो तो रो सकती हो, ये लो नैपकिन। चल चल नमस्ते। अच्छा तो जिंदगी भर के कमाई हीरो में बदल दी। तुझे कैसे पता चला? मुझे कैसे पता चला? मेरी जान भी चली जाएगी तो भी मैं तुझे दूंगा नहीं। अरे जान चली जाएगी तुझे पूछेगा ही कौन? देखे रामू, शाना बन के लॉकर का नंबर दे दे। ये तो खून का रिश्ता इसलिए लिहाज कर रहा हूं, वरना तेरा तो मैं कभी का गेम कर डालता। तेरी फिरौती के लिए 50 लाख मांगे है मैंने। तेरी बेटियां भी पैसे लेकर आई रही होंगी। 50 लाख हाथ में आते ही पुलिस वालों का मुंह बंद, राम गोपाल बन के चैन की जिंदगी जीऊंगा मैं। फिर ना लॉकर दूर, ना नंबर दूर, ना चाबी दूर और ना हीरे दूर। मैंने 50 लाख मांगे थे और ये थैली में 50 लाख लेकर आए? सर लाख लाख के 50 चेक होंगे सर। चुप कर रॉबर्ट, मैं ही जाके देखता हूँ। ए अमर चल यहाँ से, लगता नहीं आया और आएगा भी नहीं। मुझे बहुत जोर से सुसु आई है, हम लोग कल सुबह आएंगे। चल अभी रुक, डरता है क्या? नहीं नहीं डरता नहीं हूँ, सिर्फ थोड़ा सा घबराता हूँ रात से। अबे क्या घबराता है, मैं हूँ तेरे साथ, क्यों डरता? डरता क्यों है, चिल्लाता क्यों है? सॉरी सॉरी। क्या है, क्या है? माल किधर है? ये लो ये लो। अबे रुक, अंकल कहाँ है? माल कहाँ है? ये लो ये लो। अबे रुक यार, देखो हम लोग कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, पहले अंकल को दिखाओ फिर हम माल देंगे। क्यों? ये देख ये देख। क्या है ये देख? क्या है क्या है? अबे 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 देना यार। ये लो ये लो। टाइम क्या लगता है, कब से बोल रहा हूं देने के लिए। ये तो चिल्लर है। चिल्लर? हाँ। अरे पूरे 8535 रुपए 29 पैसे है। मैं क्या चिंदी चोर दिखता हूँ? ये फिरौती के पैसे की मैयत का चंदा है। मालिक जितना था सब लाया हूँ। हाँ, मैंने 50 लाख मांगे थे, कहाँ है? अरे 50 लाख 50 लाख कहाँ से लाएंगे हम? क्यों आपका प्लान ही गलत है? हाँ? आपने बाप को किडनैप किया और बेटी से मांगा। आपको बेटी को किडनैप करना चाहिए था और बाप से मांगना चाहिए था। प्लान ही गलत है आपका, लगता है कच्चा खिलाड़ी है। हाँ? हाँ? चुप कर, मैं तो गोली मार दूंगा। नहीं 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 नहीं, रामू को तैयार करो। साले 7000 रुपया ही लेकर आए हैं। सर मैंने बोला था ना सर, दोनों बहुत चालू है। वो दो नंबर का है ना वो छोटा। शट अप रॉबर्ट, हम इसी से काम चला लेंगे। खबरदार एक रुपया भी खर्चा मत करना। राम गोपाल का ख्याल रखना जी, मैं चक्कर लगाते रहूंगा। जाता हूँ, एक रुपया भी खर्चा मत करना। अंकल आ गए, अंकल आ गए, अंकल आ गए। अंकल हमने अपनी जान पे खेलकर आपको बचाया। चलो 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 चलिए, चलो भतीजा, चलो चल प्रेम। अंकल पीछे जा, सोचिए अंकल। हाँ हाँ, बीच में ही ना, बीच में। हाँ बीच में, अंकल पीछे ही, पीछे पीछे। लेकिन फिर मैं चलाऊंगा। अरे पीछे बैठा बैठा क्या? अच्छा आगे डंडी पे, डंडी। अच्छा हाँ डंडी पे ट्राई करिए अंकल, डंडी पे ट्राई करिए। लेकिन फिर मैं चलाऊंगा। हाँ ये पीछे बैठिए ना अंकल, उसी गोद में बैठी। गोद अंकल, गोदी वाली। चल चल नीचे उतर, गोद में बैठ, नीचे उतर गोदी वाले। अब एक इडियट है, पता भी नहीं चले हम पीछे बैठे। और तुम लोग भी एक बात अच्छी तरह से सुन लो, अगर हम लोग से प्यार है तो डैडी और पैसों को छोड़ के आना पड़ेगा। क्या? हम ये बात मानते हैं प्रेम, मगर बात ये है कि डैडी काफी बदल गए हैं। जो आदमी शराब के नाम से चिढ़ते थे, आज शराब घटाघट पी जाते हैं। अरे गाली गलौज भी कितनी देने लगे हैं मालूम है? अरे होता है ऐसे, 4 दिन गुंडे मवालियों के बीच में रहे हैं, बुरी आदत लग गई, बिगड़ गए अंकल। अब भूल जाओ उनको, भूल जाओ। मतलब हिटलर टोटल लॉस। टोटल साला बड़ा हिटलर बनता था बटलर। मजाक करने का ये कोई वक्त नहीं है। अरे उस दिन तो घर की तलाशी ऐसे ले रहे थे जैसे कोई पुलिस चोर के घर की तलाशी ले रहा हो। हाँ
कल रात सारा घर उथल पुथल कर डाला। उथल पुथल, उथल पुथल। यही तो मैं सोच रहा हूं, एक ही पल में दुनिया बदल गई। अच्छा हुआ करिश्मा रवीना नहीं आए। हाँ, अगर अंकल को इस हालत में देखती तो बेचारी रो पड़ती। अरे मैं तो स्वर्गवासी आंटी की सोच रहा हूं, इस वक्त उनकी आत्मा तड़प रही होगी। तड़प रही होगी, तड़प रही होगी। लेकिन इतने जल्दी, अभी अभी अच्छे भले तो थे। अरे अच्छे भले तो अब भी हैं, लेकिन ये बुरे भले कब से बन गए? कुछ सस्पेंस लगता है मुझे। सस्पेंस? माँ, सीता और गीता। सीता और गीता नहीं, इडियट, राम और श्याम। राम और श्याम, हाँ हाँ वही वही, हाँ वही। एक साथ दो दो अंकल। अरे अंकल दो नहीं एक ही है, दूसरा तो हम शकल है। क्या रे, मुझे अकेले मंदिर क्यों बुलाया? तो क्या वो हीरे के बारे में मैं तेरे जोकर्स के सामने बात करता? क्या मैंने तुझे हीरे देने का फैसला कर लिया? मैं 30 करोड़ का मालिक? अब मैं शराफत की जिंदगी जीऊंगा भैया। बरसों से पाला हुआ, दिल के कोने में छुपाया हुआ मेरा सपना पूरा करूंगा। मुर्गियों का फार्म खोलूंगा, पोल्ट्री फार्म। हजारों मुर्गियां पालूंगा जो लाखों अंडे देंगी, लाखों अंडों से करोड़ों मुर्गियां और उनके कई करोड़ अंडे और अरबों आमलेट। वो खाने के लिए ब्रेड भी मैं ही दूंगा। मैं बेकरी भी खोलूंगा, ब्रेड का बादशाह और आमलेट का राजा, बजाज, हमारा बजाज। मेरी मेहनत की कमाई से आमलेट बनाएगा? नॉनसेंस साला, आमलेट खाने के लिए बेकरी खोलेगा है? साला पाऊं वाला। तुम जानवर लोग जंगल में क्या कर रहे हो? अंकल आप ही का इंतजार कर रहे थे। मुँ, मुँ, मुँ। ये तो एकदम डिट्टो यार, एकदम डुप्लीकेट अंकल। हाँ साला, आराम से खा के बैठो। हम तुझे पतला बनाते हैं। चक्रम, अंकल, अंकल उठो, उठो अंकल, 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 हम आ गए, हम आ गए। चलिए अंकल, जल्दी घर चलिए, घर पे रवीना और करिश्मा आपका इंतजार कर रही है, चलिए। हाँ अंकल, हमने अपनी जान पर खेलकर आपको बचाया। हाँ, जान पे खेल। शाबाश, शाबाश, शाबाश। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए 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 चलिए। इसके हाथ पे जरा ठीक से बांधो, कहीं ये भाग ना जाए फिर से। बांधो। अच्छा चल, चल ठीक से बांध यार। अंकल, ये क्या अंकल? मैं अंकल नहीं हूँ, मैं तेजा हूँ, तेजा। इससे बड़ी होशियारी से मुझे बाहर से अंदर भेजा और तुमने ज्यादा होशियारी करके मुझे अंदर से बाहर भेजा। अब अंदर बैठकर रमी खेलो, मैं चला अपना गेम खेलने। अंकल, 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 आप गलतफहमी हो गई अंकल, असली अंकल आप ही हैं, आप ही हैं। अबे उस अंकल को छोड़, इस अंकल को बांध देते ही उठ के बहुत मारेगा। जान से मार डालूंगा मैं। अरे अंकल वो नहीं, मैं हूँ मैं। पहले मुझसे पूछ तो लिया होता कि मैं कौन हूँ, मैं कितनी मुश्किल से यहाँ से भागा था। शट अप। पहली मुलाकात तो मैं समझ गया था कि तुम, तुम्हारे जैसे बेवकूफ इस दुनिया में पैदा नहीं हुए हैं। शट अप, अभी तक मेरा गुस्सा खत्म नहीं हुआ है। गधा, जाहिल, गंवार, उल्लू, कमीना, अनपढ़। खबरदार, जो आगे ग्लास भी गा तो
साला वैसे इतनी परेशानियां है, रवीना कौन, करिश्मा कौन, उस मुसीबत से निकले नहीं कि अब एक नई मुसीबत, अंकल कौन, क्या ये तुम्हारी खानदानी बीमारी है क्या? देखो मेरे बाप, अरे तुम दोनों की एक जैसी शक्ल, क्या हमारी गलती है? हमने तुम्हारे मां बाप को बोला था कि जुड़वा बच्चे पैदा करो, अरे किया सो किया, एक ऐसा नालायक पैदा किया, अब बताओ क्या करें? देखो मेरे शट अप, हिलना नहीं, मिटाना नहीं, मूव सेट। चल तो सोचते हैं। सर एक बात मैं हमेशा सोचते रहता हूँ, ये हिंदी फिल्मों में गैंगस्टर को, विलन को ऐसा बुद्धू बेवकूफ टाइप कह को बताता है? क्योंकि सब हमारी तरह स्मार्ट नहीं होते। कहाँ मर गए थे तुम लोग? हम कहीं भी मरे, इससे आपको मतलब? मैं तेजा हूँ, तेजा, खोल दरवाजा। तुम तेजा हो? हाँ, मैं बोल नहीं यार तू। अरे ये तेजा है, तेजा। अच्छा अच्छा ये तेजा है, फिर वो बाहर गया, वो कौन है? वो राम गोपाल बजाज था, वो मुझे फंसा कर अंदर करके गया, फिर ये पपलू टपलू काय को छोड़ गया पीछे। तुम लोग बोलो, तुम लोग बोलते नहीं हो। तुम लोग समझते नहीं हो, वो बुड्ढा कुछ नहीं चाहता कि हमारी शादी उसकी लड़कियों के साथ हो, इसलिए हमें अंदर छोड़ गया। हाँ ये देख मार्क, देख मार्क, मार्क मार्क मार्क, कैसा मार्क, कौन सा मार्क? मार्क को छोड़ो यार, ये पत्ते देखो पत्ते, तुम लोगों का गेम खत्म हो जाएगा, गेम। हाँ गेम। अरे ये तो तेजा साहब के पत्ते हैं, हम मर गए, हम मर गए। ये तेजा साहब खोलो, दरवाजा खोलो। अरे मैं गेम कर रहा हूं। ये लो मास्टर की। हां सर मैं खोलता हूं, गेम कर रहा हूं, जल्दी करो रॉबर्ट, गेम कर रहा हूं मैं, जल्दी खोलता हूं। हां आइए सर, जल्दी करो। आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे तुम दोनों क्यों लगाने का? अभी आगे का सारा कारोबार हम संभालेंगे, सब बात हो गई तुम्हारे बॉस के साथ। तेजा समझाओ इनको। क्या समझाना है? अरे समझाना क्या है, खुद ही समझदार लोग हैं, चेहरे बोलते हैं कि कितने स्मार्ट है। वाह वाह वाह, हे ये क्या करता है, ऊपर करो टोपी सीधी, कम ऑन फॉलो मी। सर ये शट अप। अरे हेलो, मैं प्रेम बोल रहा हूँ, हम लोग अंकल को लेके आ रहे हैं, तब तक तुम अंकल पे कड़ी नजर रखना। चुबे ये पागल क्या बोल रहा है? हेलो देखो, तुम्हारे घर पे अंकल नहीं, अंकल का हमशक्ल है, उसका नाम है तेजा, जब तक हम लोग घर नहीं पहुंचे उस पर कड़ी नजर रखना। ओह माय गॉड, लेकिन वो तो अभी अभी चाबी लेके बाहर गया है। लगता है बैंक गया है। देखो तुम लोग घबराओ मत, हम लोग असली अंकल को घर भेजते हैं और हम दोनों बैंक जाते हैं नकली वाले को पकड़ने के लिए। ओके बाय, चलो बैंक। कौन तो भाग रहा है? भागला, पकड़ो उसको, पकड़ो, पकड़ो। रुको 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 रुको, मैं गोला फेंक में चैंपियन था। लग गया। ए, रैबिट का क्या है मेरे? रैबिट नहीं रॉबर्ट, चली चल। हाँ वही। स्मार्ट बॉय। मिल गया डायमंड। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। देखो तुम लोग यही रखो, हम लोग जाके तेजा को फोन करते हैं, उनको बोलते हीरे मिल गए, वो तुम लोग इनाम देंगे ना। और जब तक तेजा को होश आए तब तक अंकल को पत्थर मारते रहना। टाइबर करो टोपी सीधी, कम ऑन प्रेम फॉलो मी। ये तेजा को फोन करके इसको मारने के लिए बोला, इसको मार के तेजा को फोन करने के लिए बोला इसको। डैडी क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा, आंखें निकाल के गोटियां खेलता हूँ मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, तेजा को भी नहीं छोड़ूंगा। तेजा नहीं मेरे डैडी है। तो तेजा तो बैंक गया है। ये क्या ड्रामा है, ले चलो इन तीनों को। अपलू टपलू फोन करने के लिए बोल कर गए, अभी तक किधर के मालूम नहीं। क्राइम मास्टर दोस्त, तुम्हारा बहुत तेजा कहाँ है, मेरे हीरे कहाँ है? तेजा लड़की लोग को लाने को गया। अमर हीरे तेजा को देने गया। और बजाज उधर पड़ा। अरे बजाज मेरी गाड़ी में लड़कियों के साथ है। नहीं नहीं बजाज उधर है। अरे बजाज यही नहीं, मेरी गाड़ी वाला बजाज है। नहीं नहीं बजाज उधर है। तुम्हें चिल्लाते हैं। अभी अकेले अकेले कहाँ जा रहा है? अरे मैं तो तुम्ही लोगों को ढूंढ रहा था। क्यों? वो दोनों लड़कियों और अंकल को लेकर गुल हो गया। कौन? क्राइम मास्टर गोगो। और गोगो? उसने कहा है अगर तुम उन्हें जिंदा देखना चाहते हो तो हीरे लेकर इस पते पर पहुंचो। दिखा? और उसने ये भी कहा है अगर तुमने पुलिस को खबर की तो कर देना, कोई फिक्र की बात नहीं। हैला, ये तो बहुत पक्का खिलाड़ी लगता है। उधर संभाल के। क्राइम मास्टर गो गो, आंखें निकाल कर गोटी खेलूंगा गोटी। हैंड्स अप, हैंड्स अप का मतलब हाथ ऊपर, हैंड्स अप। ऊपर ही तो थे। चलो फॉलो मी। लेकिन ये दोनों बेवकूफ हाथ उठाए पीछे क्यों चल रहे? पपलू टपलू समझ
संभाल संभाल कर चलो। गोगी जी आपका घाघरा उठाता हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भैया, कैसे हो तुम? ठीक है ना? हाँ नमस्ते। क्या नमस्ते नमस्ते, दावत में आयो क्या? ये गोगो हीरे इन लोग के पास है। अंकल अंकल नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल नमस्ते। ये मैं अंकल नहीं हूँ, मैं तेजा हूँ। तेजा तेजा? लेकिन तेजा के गाल पे तो मार्क है, क्यों रॉबर्ट? मार्क होना चाहिए। कौन सा मार्क? काहे का मार्क यार? मैं तेजा हूँ क्योंकि मेरा नाम भी तेजा है। तेजा मैं हूँ, सफेद राम हूँ मैं तेजा हूँ यार। रामू सुधर जा, तेजा मैं हूँ। अबे तेजा मैं हूँ, तेजा मैं हूँ। मार्क किधर है? बाहर में गया मार्क? मैं इधर हूँ यार, मैं तेजा हूँ। मार्क किधर है? मैं तेजा हूँ। ये तेजा तेजा क्या है? ये तेजा तेजा क्राइम मास्टर गोगो पूछ रहा है कि हीरे कहाँ हैं? Where are the diamonds? गोगो जी, भला हीरे हमारे पास कैसे आ सकते हैं? हम तो मासूम पंछी हैं, पंछी। हम पंछी एक डाल के आसमान में उड़ने वाले पंछी। क्यों प्रेम? क्यों नहीं, क्यों नहीं? हम तो बच्चे हैं, अकल के कच्चे हैं, मन के सच्चे हैं। क्यों प्रेम? क्यों नहीं, क्यों नहीं? हम तो बस लड़कियों को छुड़ाने आए थे। चलो लड़कियों को खोल देते हैं। क्यों प्रेम? क्यों नहीं, क्यों नहीं? चलो खोल देते हैं। ज्यादा होशियारी नहीं वरना आंखें निकाल कर गोटी खेलूंगा, गोटी। ओह, लेकिन आप हमारी आंखों से गोटियां क्यों खेलना चाहते हैं? गोटियां तो आप उनकी आंखों से भी खेल सकते हैं। देखिए कितनी बड़ी बड़ी है, देखिए। गोगो, तू इनकी बातों में आना मत। हीरे इन लोगों के पास है, इन लोगों ने, ये रॉबर्ट ने मेरे से छीन कर उनको ले लिया। लो कर लो बात। और सुनो, उनके आदमी भला उनसे हीरे छीन के हमको कैसे दे सकते हैं? रॉबर्ट भला क्या तुम ऐसी बेवकूफी की हरकत कर सकते हो? नहीं नहीं नहीं, मैं कैसे दूं? मैं नहीं दे सकता। नो नेवर। गोगो साहब, दरअसल ये आपकी शक्ल बजा रहे हैं। क्या हुआ मेरी शक्ल को? गोगो साहब ये आपको इडियट समझते हैं। प्रेम प्रेम प्रेम, गोगो साहब बेवकूफ, इडियट, गधे शक्ल से लगते हैं लेकिन है नहीं। ओ आप लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं या मुझे गाली दे रहे हैं? तारीफ 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 जनाब तारीफ। मैं तो आपके किस्से बचपन से सुनते आ रहा हूँ, बचपन से। प्रेम प्रेम जानता, जब मैं रोता था तो मेरी माँ क्या कहती थी? क्या कहती थी तुम्हारी माँ? कहती थी कि सो जा अमर बेटे, सो जा, वरना वरना गोगो आ जाएगा, गोगो। सुना आप लोगों ने, क्राइम मास्टर गोगो के कारनामे। जब कोई बच्चा नहीं सोता तो उसकी माँ कहती है कि सो जा सो जा सो जा, नहीं तो गोगो आ जाएगा। और सुना, और सुना, और तो और, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, अंतर्यामी हैं, बहुत बड़े स्वामी हैं, शक्तिमान हैं, बुद्धिमान हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष हैं, महापुरुष, महापुरुष। गोगो साहब, मेरा ख्याल है कि अब हम लोग लड़कियों को लेकर चलते हैं। हीरो तो आप निकाल ही लेंगे लोगों से। प्रेम जरा टैक्सी का बंदोबस्त कर, चल। मैं अंतर्यामी हूँ, ज्ञानी हूँ। अरे भाई साहब, आपने शक्तिमान, बुद्धिमान हूँ, बल्कि मैं तो पुरुष ही नहीं हूँ। बताओ मेरी माँ ने क्या कहा था? क्या कहा था? मेरी माँ ने कहा था कि बेटे गोगो, पहले माल ले फिर माल दे। अच्छा। पहले हीरे लूंगा फिर लड़कियां दूंगा। गोगो साहब आप क्यों हमारे पीछे पड़े? हम तो मासूम पंछी हैं, फुरफुर, हम तो उड़ना चाहते हैं, फुरफुर, हम पंछी एक डाल के फुरफुर। ये देख राइफल। अबे राइफल नहीं, रिवॉल्वर है, उधर कर, उधर कर। गोगो हैंड्स अप, हैंड्स अप, हैंड्स अप, हैंड्स अप। या जगास, शाबाश मेरे चीते, शाबाश। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। हिलना नहीं तो हिला के रख दूंगा, हिला के रख दूंगा। सब अपनी अपनी बंदूक के नीचे फेंक दो, फेंक दो। अबे तू नहीं यार, तू नहीं मराएगा क्या? अरे मैं वो बोला हूँ जो तुम सबको कच्चा चबा जाओ और डकार भी ना लूं क्या? और तू क्राइम मास्टर गोगो? रॉबर्ट, गलती से मिस्टेक हो गया। अमर चुप है प्रेम,
मेरा गुस्सा बहुत खराब है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। गोली? हाँ गोली, गोली से भून दूंगा मैं सबको, गोली से। गोली तो नहीं है यार, मारे गए। हाइला क्यों? तेजा, तेजा सेठ, तेजा सेठ, बादल पे मत देना, बादल पे मत देना। ओ, 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 गोगो साहब, क्राइम मास्टर गोगो, क्राइम मास्टर गोगो। मैं तो मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। मैं तो आपकी कहानियां बचपन से सुनते आ रहा हूँ, बचपन से। सुनो सुनो दुनिया के लोगों, सबसे बड़ा है मिस्टर गोगो। या हम तो बच्चे हैं, मन के सच्चे हैं, दिल के कच्चे हैं। भाइयों अपनी अपनी बंदूकें उठा लो, हम तो मासूम पंछी हैं, आसमान में उड़ने वाले पंछी। अमर, मैं इसका क्या करूं यार? इसमें गोली नहीं है ना? बोला ना नहीं। अरे तो भेज दे। बहुत हो गया है नाच गाना, अब मैं सबको जान से मार दूंगा। बोल, मरने से पहले तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? गोगो माई बाप, ये भरी हुई पिस्तौल मुझे दे दो। तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है कालिया? मैं मरने से पहले एक दफा उसको पीटना चाहता हूँ। नहीं, मरने से पहले पीटना नहीं चाहता। नहीं प्लीज प्लीज गोगो माय बाप, मैं उसको पीटना चाहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं दो मिनट का वक्त देता हूँ, तुम पीट सको तो पीटो और तुम बच सको तो बचो। नहीं, एक्शन। गोली नहीं थी तो बोला क्यों? गलती हो गई, माफ कर दो। गलती हो गई, घुटना नहीं, घुटना नहीं, घुटना नहीं। अबे साले, आइला चीटिंग। कुर्सी नहीं, कुर्सी नहीं, कुर्सी नहीं। शाबाश मेरे चीते, शाबाश। क्राइम मास्टर गोगो, अब मैं तुम्हारा बैंड मास्टर टोटो बनाता हूँ। रवीना, करिश्मा, सबकी बंदूकें ले लो और गटर में फेंक दो। सब लोग अपनी अपनी बंदूकें लड़कियों को दे दो, और होशियारी नहीं क्या, वरना मैं इस मोगैम्बो के भतीजे के खाली खोपड़े में गोलियां भर दूंगा। और गोगो, ये पिस्तौल खाली नहीं है। हाँ हल्ला। अबे तू कहाँ जा रहा है? खड़े रहे। ठक्की टिक्की, ठक्की टिक्की, ठक्की टिक्की, ठक्की टिक्की, ठक्की टिक्की, ठक्की टिक्की था। इसमें एक ही गोली थी। अबे पकड़ो इनको, मारो। सुनो सर, सर अलाउ मी, विद प्लेजर रॉबर्ट। जगास, जगास, जगास। पिट रहे हैं, भागले भागले भागले। Wow.
बंद करो नाटक बाजी। चले पपलू टपलू, हीरे लेकर मेरे पास आ जा, नहीं तो अभी ये लड़कियों के पत्ते बिछा डालूंगा मैं। चल निकल। आओ जल्दी आओ इधर। ए अमर, ये सब हीरे कितने के होंगे? कम से कम 1 करोड़ के ना? 1 करोड़ के? अरे एक एक हीरा 1 करोड़ का होगा। एक एक हीरा 1-1 करोड़ का? हाँ भाई, अरे अंकल के जिंदगी भर की कमाई है। अंकल आप भी जरा एक लास्ट दर्शन कर लीजिए। उसको क्या दिखाता है इधर? ए अमर, तेरे कहने का मतलब ये है कि अगर एक एक हीरा इन लोगों को मिल जाए तो इन लोग की तो लाइफ बन जाएगी ना? सिर्फ इनकी? अरे पुश्तों की लाइफ बन जाएगी, इनके पुश्तों की। राज करेंगे राज। ला जल्दी, मैं तो कुछ दूंगा मैं। ठीक है ठीक है, लाते हैं लाते हैं। गोगो देख ले, तू भी देख ले, ये तेरे किस्सों में एक और किस्सा जुड़ जाएगा। हाथ को आया मुंह न लगा। ए हाथ ना लगा तू। एक हीरा, एक हीरा नहीं। अरे मैंने तो तेजा को कर्जा दिया है, उसका एक तो तय। ए सीधा इधर आ, नहीं तो गुस्सा दूंगा मैं। मैं संभाल रहा, मैं संभाल रहा। हां संभाल के गिराना नहीं। अरे हट, अरे हट, अरे हट। भाई मत गो गो, मैं तुम्हारे बॉस हूं। अरे मैं बॉस हूं, मुझे ले ले दो। अरे एक तो ले ले दो। भाई मत गो गो। रवीना की माँ, मैं आ रहा हूँ। एक जगह क्राइम मास्टर को दो। क्राइम मास्टर को दो। अरे पुलिस, अरे 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 ले गए सब। किधर है, किधर है? अरे वो उधर ही है। एक पकड़ो। अरे मैं, अरे मारा मुझे, इसलिए भी मारा, मुझे सब मार रहे हैं। डैडी, अरे क्या हुआ डैडी को? डैडी क्या हुआ? डैडी, अंकल, डैडी, अंकल, 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 उठिए, अंकल, देखिए, हम दोनों ने अपनी जान पे खेलकर आपको बचाया। क्या खाक बचाया? हाँ, मेरी जिंदगी भर की कमाई तो वो लोग लेके गए। नॉनसेंस। अरे अंकल, हमारे होते हुए ऐसे कैसे ले जाएंगे? प्रेम जरा असली रत्न ये निकाला। असली तो फेंक दिया रे। अरे क्या बात कर रहा है? अच्छा एक काम कर, जरा नकली वाला निकाल, नकली वाला बैग निकाल, वो निकाल, निकाल, वो निकाल। अरे नहीं रे, असली वाले लाल में रखे थे। अच्छा हमने तो ए प्रेम, क्या हुआ? नहीं 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 नहीं, असली वाले लाल में रखे थे। असली लाल में, असली लाल में यही है। मैं जानता था, मैं जानता था कि मेरी बेटियां हमेशा सच्चे हीरो को चुनेंगी। मैं जानता था। सुनो सुनो दुनिया के लोगों, मेरा नाम है मिस्टर गोगो। तो होगा रे कोई गोगा, पत्ते मैं बिछाऊं और गेम तू जीते, हीरे मुझे दे दे। हाथ को आया मुंह ना लगा। कस्टम मैंने तेजा साहब, प्लान के मुताबिक ये हीरे मुझे दे दीजिए। भल्ला? हाँ भल्ला, हीरे इधर ला। सॉरी सर। रॉबर्ट? यस, ये हीरे इधर लाइए। इस बार गलती से कोई मिस्टेक नहीं होगा। अब तो मेरी जिंदगी बन गई। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक्स अ लॉट एंड मे गॉड ब्लेस यू। कोई जगह से नहीं हिलेगा। गलती हो गया। लाइन में खड़ा रहे, लाइन से सबको अंदर करो। अरे ये लोग तो लाइन में ही खड़े हैं। जरा दिखाना। तेजा पकड़ा गया। कौन है बे तू? अरे गोगो, क्राइम मास्टर गोगो। मेरे डूबे वो 36,000 रुपए तो दिलवा दे। मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, जेल में सब कुछ मिलता है। जेल में? राम गोपाल जी, ये आपके हीरे। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर। मेरा शुक्रिया अदा मत कीजिए, अमर और प्रेम का शुक्रिया अदा कीजिए, इन्होंने ही तो मुझे फोन करके बुलाया था। ग्रेट ग्रेट, शाबाश, थैंक यू वेरी मच। अंकल, थैंक यू, थैंक यू। अंकल हमारी शादी की बात? हाँ क्यों नहीं, हीरे मिलने की खुशी पर मैं मेरी बेटियों की शादी अमर प्रेम से कराना चाहता हूँ।
अंकल आप ग्रेट हैं, महान हैं, दयालु हैं, मयालु हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ क्या पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष है, महापुरुष है। हेलो जी सनम हम आ गए आज फिर दिल लेके, अब इतना भी गुस्सा करो नहीं जानी, ये खोया खोया मौसम पवन दीवानी हो, कहीं उड़ा ले नयारा तुझे दिलदारा तुझे। हेलो 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 जी सनम हम आ गए आज फिर दिल लेके, ये रात और ये दूरी तेरा मिलना है जरूरी, के दिल मेरा धक धक डोले दीवाना लिए जाए हिच खोले, के दिल मेरा धक धक डोले दीवाना लिए जाए हिच खोले, ये रात और ये दूरी। अरे दिल करता है तेरे पास आऊं, तेरे पास आके तेरा हो जाऊं, रसते रसते गलियों गलियों कहां तक फिरूं मैं दीवाना, सिताने चले जिंदगी बनाने बंदे सयाने और नाम के दीवाने, दो मस्ताने चले जिंदगी बनाने बंदे सयाने और नाम के दीवाने, किसी हसीना से महाजबीना से, किसी हसीना से महाजबीना से, दिल को बचाते हुए अखियां लड़ाने, अखियां लड़ाने।